नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शशांक कौरव और शुरुआत कर चुके एक और दमदार से बेहतरीन से सेशन की। सभी बढ़िया तरीके से जो है वो जुड़ जाइए और बता दीजिए कि सारी चीजें क्लियर चल रही हैं, कहीं कोई दिक्कत में प्रॉब्लम नहीं है। एक बार जल्दी से बता दें भैया, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दिक्कत में, दिक्कत बराबर जीवन में बनी हुई है, एक बार जल्दी से बता देंगे। चलेगा, हैप्पी बर्थडे टू यू एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, प्रणाम। बैठेंगे गुरुदेव, सुकून नहीं मिलता है, मिलेगा बेटा, बहुत जल्दी मिलेगा सुकून। और जिसको सुकून मिला है, देखो सुकून प्राप्ति की एक ही जगह है, शमशान जाने की, है ना, शमशान में ही सुकून मिलता है। पता है जीवन में कभी ऐसा लगे ना कि जीवन में बड़ी दिक्कतें हैं, क्या है क्या नहीं है, आपको अपना लक्ष्य समझ में नहीं आ रहा, एक बार जो है ना थोड़ा सा वहां की यात्रा करके रहो, देख कर, यात्रा मतलब देख कर आओ कि क्या चलता है, हॉस्पिटल वगैरह में देख कर आओ, आपको आपका जीवन बड़ा अच्छा लगने लगेगा। समझ रहे हो, तुमको लगे कि तुम्हारे जीवन में कोई रिलेशन अच्छा नहीं है, समझ रहे हो, उस रिलेशन के और भी लोगों से मिलना तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारे साथ जो व्यक्ति है भैया वो भगवान तुल्य है। समझ रहे हो, क्योंकि दिक्कतें जीवन में हर किसी के खूब है। चलेगा, गुरु जी गलती से वीडियो लाइक हो गई, अच्छा डिसलाइक हो गई, बेटा ऐसा नहीं करते, ये गलत बात है। चलेगा, सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। और एक बार आप सभी लोगों के लिए आप लोग खुद ही स्वयं तालियां बजा लेना, वो इसलिए क्योंकि आप संडे के दिन भी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं जो सैटरडे और संडे, संडे जो बोलते हैं ना छुट्टी वाला दिन, ये नौकरों के लिए होता है साहब, जो नौकर है वो छुट्टी मनाता है संडे को, है ना। और हम तो क्या है, हम स्टूडेंट है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपने लक्ष्य के प्रति जो है वो लगे हुए हैं, तो हमें क्या है, हमारे लिए कोई संडे नहीं होता। चलिए, लव यू एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, शुरुआत करें आज के सेशन की। चलेगा, तो एक बार सबसे पहले तो सेशन को शेयर कर दो जिससे मैं एक बार देख लूं सारी चीजें क्लियर है कि नहीं है। चलेगा, सारी चीजें क्लियर चल रही हैं। अच्छा एक चीज और होती है, लोग बोलते हैं सर हमने इतने एग्जाम दिए, इतनी तैयारी करी, हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, हमारा सिलेक्शन नहीं हो गया, हमारी सफलता हाथ नहीं लगी। मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, यदि आपको सफलता हाथ नहीं लगती है तो मतलब आपको आपकी किस्मत ने एक और मौका दिया है कि आप थोड़े और बेहतर बनिए, है ना, थोड़े और बेहतर बनिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस अच्छी बात के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आंसर करेंगे जल्दी करेंगे। लिखा है कैनिस ल्यूपस को आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है। मुझे लगता है शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया, कोई बात नहीं, आंसर करने की कोशिश करें, गलत करें चलेगा, आंसर करें, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, अंकुर, दीपा, चंदन, टेक्निकल और कौन कौन है, स्वाति, मंद बुद्धि, क्या बात है, नाम देखो क्या लिखे हो, बहुत बढ़िया। आपके माता पिता दुनिया में बोलते फिरते होंगे मेरा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, है ना, रोज पढ़ाई करता है, और आप करते भी हो, लेकिन पता चला बच्चे को कमेंट सेक्शन में ढूंढने आए तो लिखा था ना मंद बुद्धि, है ना। चलिए, बीबीबी क्या लिखते हो भैया, कैनिस ल्यूपस के बारे में जो है वो बोला गया, कैनिस ल्यूपस किसे कहा जाता है, ग्रे वॉल, वेरी गुड, किसे कहा जाता है, ग्रे वॉल मतलब भूरा भेड़िया, है ना, किसे कहा जाता है, ग्रे वॉल मतलब क्या होगा, भूरा भेड़िया, भूरा भेड़िया, इसको आप यहां पर ध्यान रखेगा, इसे जाना जाता है कैनिस ल्यूपस के नाम से, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या लिखा है, भारत की मुद्रा प्रेस कहां पर स्थित नहीं है, कोची, मैसूर, साल्बोनी और देवास, बताइए करेंसी आपकी कहां पर प्रिंट होती है साहब, आंसर करो जल्दी से करो। वेलकम वेलकम आकांक्षा जी, बैठ जाइए, क्या बात है सर जी, हम भी संडे मंगा, बिल्कुल, देखो तैयारी यदि खूब कर लोगे ना और हो जाएगा सिलेक्शन, तो सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम भी संडे मनाना अपना, है ना, अपने उसके साथ घूमने के लिए जाना, मतलब फैमिली के साथ, ठीक। चलिए वेलकम वेलकम वेलकम, ए और सी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, क्या लिख रहे हो, कोची और साल्बोनी, भैया जरा ध्यान से आंसर करें और जो चीजें बताऊंगा कोशिश करना उसको आप नोट कर लो। देखो यदि हम करेंसी प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं मुद्रण प्रेस की, तो भैया ध्यान रखिएगा ये आपको मिलेंगी चार जगह, कहां पर मिलने वाली है जरा नोट कर लेना और याद कर लेना, कहां पर, नासिक, राइट, दूसरा क्या होगा, मैसूर, नासिक, मैसूर, तीसरा क्या होगा, देवास, तीसरा क्या होगा,
देवास, और क्या होगा सालबोनी। सालबोनी कहां पर मिलेगा, तो सालबोनी के लिए आपको जाना होगा कहां पर, वेस्ट बंगाल। कहां पर जाना होगा, वेस्ट बंगाल, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा राइट आंसर, कोची। कोची में आपको करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नहीं मिलती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे राइट। चलिए तो चारों ऑप्शन अच्छे हैं, नोट कर लेना बढ़िया तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है 1994 के बाद सामान्यतः एक वर्ष में राज्यसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं, 6, 2, 3 या फिर 4। आंसर कर दें, जल्दी कर दें, बताइए। सभी को करना है, देरी बिल्कुल नहीं करना है, वेरी गुड। नहीं पूछा है क्या, हाँ जी नहीं पूछा था, तुमने क्या कर दिया है ना, ऐसी गलत फहमी में तो जीवन में भी रहते हैं ना। तुम्हें लगता है कि तुमने सामने वाले से पूछा क्या तुम मुझे करते हो, उसने नहीं बोला तो तुमने क्या बोला, मुझे ना सुनना पसंद नहीं है, मुझे ना सुनाई नहीं देता, फिर आपके कान के नीचे लगाया गया। चलो क्या लिख रहे हैं भाई, बी 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 और सी, मतलब 2 और 3। कोशिश करो फिर से जल्दी से आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बताएं। बहुत बढ़िया, सभी आंसर करेंगे। राज्यसभा के 3 सत्र एक वर्ष में आयोजित किए जाते हैं, तो कितने करे जाते हैं, 3 सत्र, इसको आप यहां पर ध्यान रखना। अच्छा मैंने आपको बताया था किसके बारे में, मैंने आपको बताया था संसद के सत्रों के बारे में, किसके बारे में, संसद के सत्रों के बारे में जो है वो बताया था। संसद में कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। अभी जो चल रहा है उसे कौन सा सत्र कहते हैं, उसे कहते हैं बजट सेशन, मतलब क्या कहेंगे, बजट सत्र कहेंगे राइट, क्या कहेंगे, बजट सत्र या बजट बजट सेशन जो है वो यहां पर कहते हैं, क्या कहते हैं, बजट सेशन जो है वो यहां पर कहते हैं, नोट कर लेना। इसके बाद बजट सेशन के बाद क्या आएगा, जून जुलाई के महीने में वो जो है वो खरीफ की फसल लगाओगे ना, उस समय कौन सा कहलाता है, मानसूनी सत्र आता है, कौन सा आता है, मानसूनी सत्र या मानसून सेशन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, मानसून सेशन कहते हैं। थर्ड आपका आता है, क्या आता है, शीतकालीन सत्र, है ना, मतलब कि दिसंबर जनवरी वाला शीतकालीन सत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, विंटर सेशन। ये 3 सत्र आपको कहां पर मिलते हैं, संसद सदन में जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। सर एक दिन आप बजट करा दो, बजट चलिए करवा सकता हूं वैसे दिक्कत नहीं, लेकिन आपका आई थिंक बजट का सेशन हो गया होगा, किसी ने करवा दिया होगा। अब मुझसे ही पढ़ना है तो फिर अलग मैटर है, मुझसे मेहनत करवाओगे तुम लोग एक्स्ट्रा वाली, है ना, फिर मैं कुछ बोलूंगा तो फिर तुमको मानना पड़ेगा, है ना। चलेगा आंसर करेंगे, लिखा है किसको भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, सर जॉन्स जेम्स ऑडबोर्न, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, कॉनराड लॉरेंस, सलीम अली। आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, फटाफट करेंगे, डी डी डी, वेरी गुड, सभी कर दो भाई, क्या होगा राइट आंसर, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, क्या बात है, डी 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 सबका आ रहा है, सलीम अली, वेरी गुड, क्या बात है भैया, ध्यान में रख, सभी आंसर करेंगे, भारतीय पक्षी विज्ञान, बहुत बढ़िया, कह दिया, कर लिया आंसर। अभी देखो पेपर में सिर्फ हमको पेपर करना नहीं होता है, पेपर को ध्यान से पढ़ना होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, और पेपर जब आप ध्यान से पढ़ते हो तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक क्वेश्चन आपको जरूर लगता होगा एक नंबर का है, ये एक नंबर का नहीं होता मेरे दोस्त, ये आपके जीवन के 30-40 साल लेके डूब भी जाता है और आपको बचा भी लेता है। क्वेश्चन को जब आप ध्यान से सुनोगे तो इसमें क्या लिखा है, भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक का नाम पूछा है। देखो अभी एक बच्चा लिख रहा है सर भारतीय पूछा है, मेरे दोस्त आप जो आंसर कर रहे हो ना सलीम अली, ये कौन है पता है आपको, ये है वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, क्या नाम है इनका, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया है, मतलब कि कौन है भैया यहाँ पर, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया है, फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी नहीं है, ये पक्षी विज्ञान पूछा है दोस्त, तुमको पता है लेकिन तुम पेपर में गलत कर आओगे और घर में रोगे कि मम्मी मैं तो सही करके आया था, मैं तो बर्बाद हो गया। ध्यान रखिएगा भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए ओ ह्यूम को, इसको आप यहां पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो राइट आंसर इज ए ओ ह्यूम। बेटा तुम्हारी यही गलती मुझे जीवन में क्या करवानी है, खत्म करवानी है। लोग क्या है ना, आप क्या करते हो, पढ़ तो सारी चीजें लेते हो, आपसे बनता सब कुछ, आप करते हो सिली मिस्टेक, मैंने आपको एक बार बताया था
एक स्टूडेंट क्या करता है साहब, पेपर में पूरा मैथ्स का सॉल्यूशन करता है, पूरा सॉल्व कर देता है। सॉल्व करने के बाद वो जब ऑप्शन देखता है तो ऑप्शन में लिखा रहता है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अब वो ये देखता है कि मैंने सॉल्व किया 2/4, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, लगता है मैंने गलत कर दिया। वो दूसरी बार फिर ट्राई करता है, उसको मेथड पे भरोसा रहता है, क्योंकि फिर आता है 2/4, गलत कर दिया। तीसरी बार फिर करता है, समय खराब होता है, ऑप्शन छोड़कर आ जाता है कि भैया मैं गलत मेथड लगा रहा था, जबकि वो गलती ये कर रहा था। पूरा सॉल्व कर लिया इसको, थोड़ा सा तो और कट करना था, ये 1/2 ही आना था। ये होती है सिली मिस्टेक, समझ रहे हो, चलेगा। तो इसको आप यहां पर ध्यान रखना, 1/2, ऐसी गलतियां आपको जीवन में नहीं करनी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले बता दूं आप सभी लोगों के लिए, आज एक स्पेशल इवेंट भी यहां पर किया गया था, और यहां पर आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल की रक्षक बैच आ रहा है, और आप लोगों ने लगातार क्या किया था, लगातार लगे थे शशांक सर पढ़ाएंगे तो लेंगे बैच, आ जाओ भैया, अब हमको पढ़ा रहे हैं हम इसमें। सो 799 रुपए में ये आपको बैच उपलब्ध है, आपको करना एग्जाम 60 कोड का यूज, 60% को आपको डिस्काउंट मिलेगा, और यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट, डेली प्रैक्टिस सेशन, मॉक टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट और डाउट सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा। और यदि फिर भी कोई डाउट हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना, ठीक है। चलिएगा बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताए लिखा है नृत्य रूप डांडिया का संबंध किससे है, बताएंगे गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, ओणम या फिर बिहू, आंसर करें जल्दी करें, बताएं। बहुत बढ़िया सर, यूपीपी में पढ़ाइए बेटा, तुम लोग मुझसे सभी में पढ़वा लो, क्यों, इंसान हूं मैं, इंसान, समझ में आ रही है। चलिए बीबीबी, बहुत देखो जहां भी पढ़ा रहा हूं ना आप वहां पर आकर पढ़ो, और मैं हमेशा एक चीज आपको कहता हूं, रोजाना जो मेरी 12 बजे वाली क्लास होती है ना बेटा मेन चैनल पर, उसको मत छोड़ो, बस बाकी जो करना है तुम करो जीवन में, जीके पढ़ना है तो 12 बजे पढ़ना है, बात खत्म। नवरात्रि बिल्कुल सही है, डांडिया कहां पर होता है भैया, नवरात्रि में होता है, गरबा हो गया, डांडिया हो गया, ये आपको कहां पर मिलेगा, नवरात्रि में मिलेगा, गुजरात का फेमस होता है, गुजरात से ही जो है वो इसकी क्या हुई है ना, गुजरात से, कौन ने नजर लगा दी, पेन नहीं चल रहा है ना, गुजरात से जो है वो यहाँ पर शुरुआत हुई है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताएं। लिखा हुआ है बढ़िया सा सवाल, और कहता है कैप्रा एग्रीगस हिरकस को आमतौर पर आप किस नाम से जानते हैं, बताएंगे जल्दी से, सभी आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी आंसर करें भाई, बहुत बढ़िया, जय श्री राम, जय श्री राम, आंसर करते चलो, फटाफट करते चलो, बताइए। तो अभी हमने जाना था कि जो भूरा यहां पर भेड़िया होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, अब इसमें से एक और हमको देखना है, कैप्रा एग्रीगस हिरकस आपको बताना है, ठीक है। देखो आपने एक चीज देखा होगा, आपके घर में आपकी इज्जत हो या ना हो, कुत्ते की बहुत होती है, होती है कि नहीं होती, होती है, क्योंकि वो फैमिली का मेंबर जैसा ही होता है, ध्यान में रखिएगा। तो कैनिस ल्यूपस फैमिलरीज, कैनिस ल्यूपस फैमिलरीज, फैमिलरीज, हमारे यहां पर एक हमारे साथ में एक व्यक्ति है जो कार्य करते हैं, वो कहते हैं यदि आप मुझे किडनैप कर लोगे तो मेरे पिताजी बोलेंगे ले जाओ है ना, और हमसे पैसा लो और कहीं दूर ले जाओ इसको, लेकिन हमारे डॉगी कहीं तुम किडनैप कर लोगे तो वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे देंगे, समझ रहे हो, इज्जत समझो आप खाली, ठीक। उसके बाद यदि हम बात करेंगे किसकी, मुर्गी की, गैलस, गैलस डोमेस्टिक्स, क्या बोलते हैं भैया इसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम, गैलस, गैलस डोमेस्टिक्स, क्या कहते हैं, डोमेस्टिक्स, डोमेस्टिक्स, घर में रहती ना मुर्गी भी आपके। यदि हम गाय की बात करते हैं, गाय क्या होती है भैया, गाय होती है बॉस, तो याद रखिएगा बोस टॉरस, बॉस टॉरस है ना, गाय क्या होती है, गाय हमारी माता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बकरा या बकरी, इसको कहा जाता है कैप्रा एग्रीगस हिरकस, नोट कर लेना, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बेटा पेन पेपर लेकर बैठो, नहीं तो पढ़ तो खूब लोगे याद कुछ नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर करेंगे, किस तापमान पर लोहा पिघलता है, किस टेम्परेचर पर जो है वो लोहा पिघल जाता है, 1638 डिग्री सेल्सियस, 1683 डिग्री, 1538 और 1583 डिग्री, बताएंगे क्या होगा राइट आंसर, बहुत बढ़िया। ये मत लिखना कि सर हम तो थोड़े में ही पिघल जाते हैं, है ना,
तुक्का सही हो गया, कोई बात नहीं, जीवन में तुक्के हैं लेकिन हर जगह नहीं लगेंगे। लोहा पिघलता है, कितने टेम्परेचर पर आपका लोहा पिघल जाता है भाई, बताएंगे जल्दी से, है ना, कितना टेम्परेचर? 1683, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलेगा, ध्यान रखेंगे। क्या होगा राइट आंसर, तो ध्यान रखना भैया, 1538 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है भैया, इस तापमान पर लोहा क्या करता है, पिघल जाता है, इसको आप ध्यान रखना, कितना है 1538 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो पिघल जाता है, इसको आप नोट कर लेना, सीधा फैक्चुअल सवाल है ना, ज्यादा उसमें चर्चा की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या लिखा है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर एनी बेसेंट, राजा राम मोहन रॉय, सर सैयद अहमद खान साहब, आंसर करो जल्दी करो, बताएंगे सभी, आंसर करेंगे जल्दी करेंगे, बताएंगे, वेरी गुड, ए ए ए सी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, 1538 ही होगा ना, ध्यान रखना, वेरी गुड वेरी गुड, ए बी सी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1905 में हुई थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1905 में हुई थी। आपको पता होगा सन 1915 में महात्मा गांधी भारत आते हैं और अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं, किसे, वो बनाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी को। गोपाल कृष्ण गोखले जी इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अंग रहते हैं, मतलब उसका सदस्य रहते हैं, और ये रहते हैं भैया कौन से दल के, ये रहते हैं नरम दल के, किस दल के रहते हो, नरम दल के रहते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, राइट, क्लियर है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में इनके द्वारा जो है वो बनाई जाती है, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा यदि हम एनी बेसेंट साहब की बात करें तो ये जो है इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करती है मद्रास में, वो आप जानते हो 1916 में, साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है, पहली महिला अध्यक्ष जो है वो यहां पर बनती है, कौन बनती है, एनी बेसेंट, इनको आप क्या कर लेना, नोट कर लेना, समझ में आ गया। चलते हैं राजा राम मोहन रॉय, इनका नाम था राम मोहन रॉय, इनको राजा की उपाधि किसने दी, अकबर सेकंड ने, अकबर सेकंड ने इनको क्या किया था, राजा की उपाधि दी थी, इसको आप ध्यान रखना, क्यों दी थी, अकबर सेकंड ये क्या करते हैं, मुगल थे साहब, क्या करते हैं ये, राजा राम मोहन रॉय को लंदन भेजते हैं कि तुम थोड़ा सा बात कर लो ना यार, थोड़ी सी पेंशन वेंशन बढ़वा दो भाई, समझ रहे हो, मुगल सल्तनत की हालत, एक अकबर था है ना जिसने दूसरों की पेंशन खा ली थी, एक अकबर सेकंड था जो अपनी पेंशन के लिए परेशान था, साहब ये जाते हैं बात करने, ठीक है बोलते हैं, मैं कर लूंगा बात, टेंशन, ये चीज ये सिखाती है जीवन में घमंड कर लोगे ना मेरे दोस्त, ध्यान रखना किसी का कोई भरोसा नहीं है, किसके सामने हाथ फैलाने पड़ जाए कल को, ये दिखाते हैं राजा राम मोहन रॉय, इनसे कई भाषाएं बनती थी, राजा राम मोहन रॉय 1900 यहाँ पर यदि हम बात करते हैं 1815 में क्या बनाते हैं, आत्मीय सभा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं, और फिर यही राजा राम मोहन रॉय 1828 में क्या बनाते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना कर देते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, सती प्रथा का अंत करवाते हैं राजा राम मोहन रॉय, और राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता के नाम से जानते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, समझ में आ गया। राजा राम मोहन रॉय की समाधि कहां पर मिलेगी, तो भैया समाधि देखना जाना चाहते हो तो चले जाना कहां पर, ब्रिस्टल, पहले इस नाम की सिगरेट आती थी, यदि कोई पीता होगा तो उसको पता होगा, तो ब्रिस्टल जो है वो यहां पर समाधि स्थल है, जो कि कहां पर मिलेगा, यूके में मिलेगा, ध्यान रखना। सर सैयद अहमद खान, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई, समाज सुधारक थे, यदि मुस्लिम समाज में हम बात करें उन्होंने बहुत सारे काम किए सर सैयद अहमद खान साहब ने, इनको भी आप क्या करना, नोट कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस वर्ष में ब्रिटिशों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की, ये तो तुम सारे आंसर करोगे, जल्दी कर दो, फटाफट कर दो, क्या होगा राइट आंसर बता दो, बताइए सभी, आंसर करेंगे जल्दी करेंगे फटाफट करेंगे, बताएंगे जल्दी से, वेरी गुड वेरी गुड, सभी को करना है भैया, देरी बिल्कुल नहीं करना, इस बात का आप खासा ध्यान रखें, समझ में आ गया, वेरी गुड, सभी आंसर करें, क्या होगा राइट आंसर बताएं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या पूछा गया भैया, एक मिनट रुकेंगे बस थोड़ा सा, चलिए बोस इंडिकस किसका होता, अभी तो बताया था भारत, अभी बताया था, बता दो भाई बाकी लोग, 1912 में बन गई थी, वेरी गुड, ध्यान रखिएगा सन 1911 क्या होता है भारत में आयोजित किया जाता है
तीसरा दिल्ली दरबार, क्या किया जाता है? दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है ना, किसका आयोजन किया जाता है? दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। ब्रिटेन से आते हैं कौन? आते हैं जॉर्ज पंचम और उनकी रानी, रानी मैरी आती है। कौन आती है? रानी मैरी आती है। भारत में भव्य स्वागत किया जाता है इनका। समझ में आ रहा है विनोद? इसके बाद क्या होता है भैया, ये दशा, ये जो है वो 1911 का समय था। इस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था कौन? उसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। क्या नाम था? लॉर्ड हार्डिंग, और हार्डिंग सेकेंड था, याद रखिएगा। यहां पर घोषणा की जाती है क्या, कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता से क्या कर दी जाएगी? दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाएगी। साथ में यहां पर यदि हम बात करते हैं, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, किसने? वो भी रद्द किया था तीसरे दिल्ली दरबार में, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन भी क्या हो जाता है भाई? रद्द हो जाता है, याद रखिएगा, है ना। पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी होती थी कहां पर? राजपथ पर। मोदी जी आए, राजपथ का नाम बदल कर दिया कर्तव्य पथ, और जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटाकर लगा दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। ध्यान में रखेंगे, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या आता है भैया, बताएंगे? निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल देवधर ट्रॉफी से संबंधित है? गोल्फ, हॉकी, क्रिकेट या फिर आपकी फुटबॉल? आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, देवधर ट्रॉफी, बताएं। बहुत बढ़िया, सभी आंसर करें, जल्दी करें। राम राम, राम राम, बताएं भाई। सी डी, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या लिख रहे हो भैया? क्रिकेट और आपकी फुटबॉल। देवधर ट्रॉफी पूछा गया है, ठीक है, तो क्या बोलोगे? देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। एशिया कप किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। चलो एक काम करो, मेरा आंसर करना जल्दी से, मैं तुमसे बोलूंगा, बताओ डेविस कप किससे संबंधित है, तुम क्या बोलोगे? मैं तुमसे बोलूंगा डेविस कप किससे संबंधित है, तुम क्या बोलोगे? मैं तुमसे बोल रहा हूं डेविस कप किससे संबंधित है, तुम क्या बोलोगे? सर्जिकल पेठा खाने चलो, चलो ठीक है, आ जाना, चलेंगे, ठीक है, चलेगा। फिर भैया यहाँ पर क्या होगा, टेनिस, इसको आप ध्यान रखिएगा, डेविस कप टेनिस से संबंधित है। मैं तुमसे बोलूंगा बताओ नेहरू कप किससे संबंधित है, तुम कुछ मत बोलना, सीधा बोलना भैया, हमको पता है फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध घराना या शैलियों में से कौन सा विकल्प नहीं है? मतलब हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली में वो घराना नहीं आता, बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। भरत बोस्टोरस भी कहते हैं, है ना, एक ही में तुम अटक गए हो। चलिए आंसर करें भाई जल्दी से, क्या लिख रहे हो? बता रहे हैं आपको पटियाला घराना, मेवाती घराना, ग्वालियर घराना, रजवाड़ी घराना, क्या लिख रहे हो? बीबीबी और सी, बी और सी मतलब मेवाती घराना और ग्वालियर घराना। सभी लोग अपने कान पकड़ के खड़े हो जाएं, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रजवाड़ी घराना कोई घराना नहीं है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। पटियाला, मेवाती, ग्वालियर, किराना घराना, ये सारे हैं, इनको आप ध्यान रखना, रजवाड़ी घराना यहाँ पर नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते सॉरी, आंसर करेंगे भारतीय मूल की सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड कितने दिन बिताए थे, बताएंगे। सभी आंसर करें, आपका सही था, बहुत अच्छी बात, जिनका सही था भैया उनको बधाई हो, है ना, ढेर सारी बधाई हो मेरी तरफ से, आप मिठाई खा लेना घर में। चलेगा, आंसर करेंगे भैया सुनीता विलियम्स की बात करते हैं, सुनीता विलियम्स जो है वो आपको बताना है, बताएंगे, बताइए जल्दी से। अच्छा, इनके पहले कौन गई थी? कल्पना चावला, नासा की तरफ से कल्पना चावला पहुंचती हैं और उसके बाद जाती है सुनीता विलियम्स, और ये रिकॉर्ड 195 दिन तक जो है वो क्या रहती है, अंतरिक्ष में रहती है, इसको आप यहां पर ध्यान में रखिएगा, राइट। इनके पिता रहते हैं गुजरात की और माता जी रहती है स्लोवेनिया की, और ये जाती है नासा की तरफ से अंतरिक्ष में, सुनीता विलियम्स, ध्यान रखना, तो हम कह सकते हैं भारतीय मूल की है, थी। चलेगा, आंसर करेंगे ओलंपिक पदक विजेता जीतने, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मैरी कॉम, साक्षी मलिक, साइना नेहवाल या कर्णम मल्लेश्वरी, बताएंगे क्या होगा राइट आंसर, बताएं रखना, ठीक है सॉरी आंसर करेंगे। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता, यदि मुझे खांसी चल रही है तो मैं तुमसे सॉरी क्यों बोलूं?
कई बार लोगों को थोड़ा सा कुछ होता है सॉरी, अरे सॉरी क्यों, वो तो आपकी नेचुरल चीज है ना, आप खांसी आ रही है तो लेंगे खांसेंगे, उसके लिए आप ऊपर वाले को दोष दे दो, आपने क्यों शशांक सर को खसवाया। चलेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कर्णम मल्लेश्वरी, याद रखेगा। और कर्णम मल्लेश्वरी सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में पहली बार जो है वो भारत के लिए मेडल लेकर आती है, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी की, तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो यह क्या है, ये करती है भारोत्तोलन, मतलब क्या होगा इसका मतलब, वेट लिफ्टिंग, क्या कहेंगे, वेट लिफ्टिंग, इसको आप ध्यान में, वेट लिफ्टिंग जो है वो इसे कहेंगे, ध्यान रखेगा। भारत ने ओलंपिक में जो है वो 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, 8 जीते हॉकी ने, पहला गोल्ड मेडल व्यक्तिगत कौन लेकर आया था और कब लेकर आया था, कौन बताएगा, कौन लेकर आया था और कब लेकर आया था, तो याद रखिएगा सन 2008 में, याद रखेंगे कौन लेकर आया था, अभिनव बिंद्रा, कौन लेकर आए थे, अभिनव बिंद्रा जो है वो लेकर आए थे, याद रखिएगा, गोल्ड मेडल पहली बार 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में। क्लियर सभी को, चलेगा, बहुत बढ़िया, हाँ जी बिल्कुल 2008 में। आगे बढ़ते, नेक्स्ट आता है द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, किसकी आत्मकथा है, एमएस धोनी, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर या फिर गौतम गंभीर, आंसर करेंगे द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, सभी कर दें, जल्दी कर दें, फटाफट कर दें। क्या लिख रहे हैं भाई, बीबीबीसी। आज आपकी मैं जब क्लास का इंतजार कर रहा था ना, तो मेरी झपकी लग गई थी, मैं वो वाला फिर मुझे गाना याद आ रहा था, इंतहा हो गई इंतजार की। चलेगा बीबीबी, बी मतलब कौन, युवराज सिंह, बिल्कुल सही है, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है भैया, इनको हो गया था कैंसर, कैंसर से जंग लड़कर आते हैं युवराज सिंह वापस। अच्छा अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि भैया पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल कौन लेकर आया था हंसने वाली कौन सी बात है, थी मैंने गाना गा दिया तो, पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा लेकर आए थे, उनकी बुक का नाम बताओ, अभिनव बिंद्रा साहब की, देखो पेन पेपर लेकर बैठो, प्रॉपर बढ़िया कागज पे लिखते चलो, लिखोगे तो याद रहेगा, ध्यान रखना, बच्चों जैसे पढ़ाई हमेशा बच्चों जैसे करना चाहिए और बिना इज्जत के। अभिनव बिंद्रा, ये क्या भैया, अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, ये किसकी किताब है, अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, ये किसकी किताब है, तो तुम सीधा बोलना अभिनव बिंद्रा साहब की जो है वो किताब है, नोट कर लेना, राइट। अच्छा इसके बाद यदि मैं तुमसे बोलूं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये किसकी किताब है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सीधा दिल से है ना, तो ये जो है वो किसकी किताब है बताएंगे, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी है, कपिल देव, किसकी है भैया, ये है कपिल देव जी की, जिन्होंने हमें पहला जो है वो वर्ल्ड कप जिताया था, कपिल देव जी की जो है वो किताब का नाम है, इसको आप नोट कर लेना। मैं तुमसे बोलूंगा बताओ अनब्रेकेबल किसकी किताब है, अनब्रेकेबल ये किसकी किताब है, तुम सीधा क्या बोलना, मैरी कॉम, किसकी है भैया, मैरी कॉम की जो है वो किताब है, नोट कर लेना। मैं तुमसे बोलूंगा गोल्डन गर्ल किसकी किताब है, गोल्डन गर्ल जो है वो किसकी किताब है, गोल्डन गोल्डन गर्ल किसकी किताब है, तो तुम क्या बोलना सीधा, पीटी उषा उड़न परी, पीटी उषा उड़न परी के नाम से इनको, गोल्डन गर्ल के नाम से जो है उन्हें जाना जाता है, ठीक है। यदि मैं तुमसे बोलूंगा बताइए एस अगेंस्ट ऑड्स ये किसकी किताब है, तो तुम क्या बोलोगे, ये मेहबिया किसकी, साइना, साइना मिर्जा, साइना मिर्जा है ना, साइना मिर्जा राइट, इनकी किताब है। फिर मैं तुमसे बोलूंगा बताइए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी है, तुम सीधा बोलना सौरव गांगुली। मैं तुमसे बोलूंगा प्लेइंग इट माय वे किसकी है, तुम सीधा बोलना सचिन तेंदुलकर जी की जो है वो किताब है, नोट कर लेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, जल्दी करना चालू करेंगे, बताइए क्या होगा क्वेश्चन आंसर, किस भारतीय राज्य संघ शासित प्रदेश में सबसे छोटी तट रेखा या कोस्ट लाइन है, आंसर कर दो, जल्दी कर दो, बताएंगे फटाफट करेंगे, जल्दी करेंगे, बताइए जल्दी से, आपको बताना है सबसे छोटी तट रेखा कहां पर मिलेगी, बताएंगे सबसे छोटी तट रेखा कहां पर मिलेगी, सीसीसी, सी मतलब पुदुचेरी, और बेटा ध्यान से बताओ जल्दी से, पुदुचेरी, ऐसा कितनी कितनी लंबी तटरेखा होगी पुदुचेरी की, पुदुचेरी की तटरेखा है 45 किलोमीटर, तटरेखा मतलब समझते हो ना, कोस्टल लाइन, समुद्र से सीमा, सबसे कम किसकी है, पुदुचेरी, सबसे ज्यादा किसकी है,
सबसे ज्यादा है भैया हमारे प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य गुजरात की, है ना। पधारो कभी गुजरात में, ठीक है, लेकिन पधार में जाना, बाकी फिर कुछ नहीं है। चलिए ध्यान रखना, 1600 किलोमीटर लंबी है भैया गुजरात की कोस्ट लाइन, नोट कर लेना। देखो पुदुचेरी की बात करते हैं, पुदुचेरी किसके अंतर्गत आता था, पुदुचेरी पर कब्जा किया हुआ था किसने, फ्रांस ने, फ्रांस बहुत पहले से पुदुचेरी पर रहा। पुदुचेरी के अंतर्गत जो है वो चार जगह आती है, कौन कौन सी आती है, एक आपकी आती है यनम, एक आपकी आती है माहे, एक आपकी आती है काराइकल, राइट, और एक और कौन सी है, तो भैया भैया वो है पुदुचेरी। पुदुचेरी जो है वो क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर आपको विधानसभा मिलती है, जैसी विधानसभा आपको दिल्ली और जैसी विधानसभा अब आपको जम्मू कश्मीर में मिलती है, ध्यान में रखिएगा, है ना। अब ये बात मैंने क्यों बताई, मैंने इसको इंडियन पॉलिटी से जोड़कर बताया, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करना यदि सुन सको तो। आपको पता है अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी के चुनाव हुए, जीडी के शुरुआती दिनों में लगातार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित आर्टिकल पूछे गए, उनकी प्रोसेस पूछी गई। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है, उनका निर्वाचन मंडल क्या होता है, ये सवाल आता है और ये आर्टिकल 54 के अंतर्गत है। आर्टिकल 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, आर्टिकल 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी। अब राष्ट्रपति को कौन कौन वोट दे सकता है, मैं दे सकता हूं, मैं कैसे दे सकता हूं, आप दे सकते हो, नहीं दे सकते, ध्यान रखिएगा। लोकसभा राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, नॉमिनेट नहीं, चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी की के चुने हुए सदस्य जो है वो वोट कर सकते हैं किसको, राष्ट्रपति जी को, इसको आप ध्यान में रखिएगा, समझ में आ गया। अच्छा ये तो कोस्टल लाइन है, यदि मैं तुमसे भैया बोल दूं कि बताइए भैया सबसे लंबी हमारी सीमा जो है वो किसके साथ में मिलती है, तो सबसे लंबी सीमा किससे मिलती है, बचपन एमबीए से, बचपन में जिसने एमबीए कर लिया था उससे मिलती है। वहां से क्या आता है, सबसे लंबी सीमा हमारी किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है, जिसकी लंबाई कितनी है 4096 किलोमीटर। फिर लगती है किससे, चाइना से, उससे छोटी किसकी है, पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की जो है वो चाइना से भी छोटी है सीमा, ठीक है। फिर आते हैं भैया ना से क्या आएगा, नेपाल, मां से क्या आएगा, तो याद रखिएगा म्यांमार की सीमा लगती है, वहां से क्या आएगा, तो भूटान की सीमा लगती है, और सबसे कम सीमा लगती है कहां की, अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर, इसको आप नोट कर लेना, समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी भूटान और उसके बाद अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा लगती है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आंसर करना चालू करें मेरे दोस्त। चलिए, भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला टेमी चाय बागान किस राज्य में आपको मिलेगा, टेमी चाय बागान बताएंगे क्या होगा राइट आंसर, बताएं। बहुत बढ़िया, सभी आंसर करें, सर्कल पेपर है, ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से करें भाई। आप लोगों ने मुझे इतने सारे मैसेज कर दिए, कल बहुत सारे बच्चों का पेपर है क्या, इतने मैसेज आ गए मुझे, सर्जिकल पेपर है। मैं सभी से एक ही बात कहूंगा, जिनका पेपर कल है, आने वाले समय में है मेरे दोस्त, जब भी पेपर रहे बिंदास होकर जाओ, आपने मेहनत की है, आपने ईमानदारी से की है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहेगा आपका, आपको सफलता मिलेगी। और यदि मान लीजिए कोई कंडीशन है सफलता नहीं मिलती, तो जीवन में कुछ बहुत बेहतर लिखा होता है, ये जो यूनिवर्स है ना साहब, ये यूनिवर्स आपको सफल बनाने की पूरी साजिश रचता है, इसको पूरा पता है कि आपको कहां पहुंचाना है, तो यहां से उठाएगा, वहां पटकेगा, वहां से उठाएगा, यहां पटकेगा। कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं, राइट। चलेगा, आपसे बोला गया टेमी चाय बागान कहां पर मिलेगा भैया, तो ये मिलेगा कहां पर आपको, असम में, कहां पर मिलने वाला है, सॉरी असम बोल रहा हूं, सिक्किम में मिलने वाला है। सिक्किम को क्या बोलते हैं भैया, सिक्किम को कहा जाता है टी स्टेट, क्या कहा जाता है, टी स्टेट कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको टेमी चाय बागान जो है वो मिल जाएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा, समझ में आ गया। चलेगा आगे बढ़ते हैं, यहां पर कहा जाता है तकरीबन साल भर में 1,00,000 किलोग्राम चाय का उत्पादन किया जाता है, बहुत चाय निकलती है साहब यहाँ पर। आप में से चाय लवर कितने हैं, चाय तो मतलब ऐसी है कि चाय होना और ऑक्सीजन होना एक जैसा है ना, कोई बोले ऑक्सीजन चाहिए कि चाय, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे चाय, ठीक है। भारत में 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस, अभियंता दिवस का मतलब होता है इंजीनियर्स डे, राइट, ये किस दिन मनाया जाता है, किसकी जयंती होती है, ई श्रीधरन, वीरु सहस्त्र बुद्ध, क्या नाम लिख दिया, शिव अयादुरई, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, आंसर करेंगे बताएं।
वेरी गुड, ये थ्री इडियट से इंस्पायर होकर ऑप्शन बी दिया गया है। जरा ध्यान से आंसर करेंगे क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे, नेशनल इंजीनियर्स डे बताएंगे, अभियंता दिवस। आप में से कितने लोग इंजीनियर जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है? सर चाय मंगा लो, है ना, बैठी है ना हमारी गैंग। क्या लिख रहा हो? डी, वेरी गुड। क्या होगा? मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी, याद रखेगा 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की जन्मतिथि होती है, क्योंकि इनका जन्म हुआ था कब? 15 सितंबर। कब हुआ था? 15 सितंबर 1968 में साहब जन्म होता है मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी को। इनके जन्मदिन पर जो है वो अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने आधुनिक भारत को रचने के लिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत में बहुत योगदान दिया, उसको आप ध्यान रखना। बिल्कुल हाँ, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं टेक्नोलॉजी डे और इंजीनियर्स डे में। देखो टेक्नोलॉजी डे जो है वो मनाया जाता है 11 मई को, और आपको पता है 11 मई क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारत में ज्यादातर चीजें हमने 11 मई को की हैं। हमने जो अपना परमाणु बम जो फोड़ा था ना, पहला वाला जब हमने फोड़ा यहाँ था, आग दुनिया भर में लग गई थी और धुआं पड़ोस के वहां से निकल रहा था, पड़ोसी के वहां से निकल रहा था, ठीक है, घर से। टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 11 मई, तो 11 मई 1998 को हमने अपना पहला विस्फोट भी किया था, उसके बाद प्रधानमंत्री जी आए सामने, ऐसी बहुत सारी चीजें हमने करी थी, ध्यान में रखना। समझ में आ गया? तो 11 मई को टेक्नोलॉजी डे है, ठीक है, चलिए। सर मुझे ऐसा लगता है आप मेरा मैसेज इग्नोर करते हैं, हो सकता है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं किसी का इग्नोर नहीं करता भाई, मुझे दिखाई नहीं देता ना, आंखें थोड़ी कमजोर है। चलेगा, आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, फटाफट करेंगे, बताएं क्या लिखा है भाई। जिसे पश्चिम में हंटर्स मून के नाम से जाना जाता है, उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा, आंसर करें। कुछ बच्चे तो सिर्फ हंसने आते हैं क्लास में, सर कुछ बोलेंगे और हंसी आएगी, अच्छी बात है, कम से कम हंस तो लेते हो मेरे बहाने। पता है दुनिया में बहुत हंसने वाले लोग कहीं ना कहीं बहुत रोते भी हैं, समझ रहे हो विनोद। चलिए, एक कोई बहुत बड़ा कमेंट लिख रहा है, उसका कमेंट ऊपर चला जाता है, देखो। चैत्र पूर्णिमा, चलिए ध्यान रखिएगा, चैत्र पूर्णिमा नहीं होती मेरे दोस्त, हंटर्स मून जो है वो कहा जाता है भारत में किसे? कार्तिक पूर्णिमा को, याद रखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा को जो है वो कहा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, है ना। अच्छा, इसको यदि हम बात करें, इसका एक और नाम है, यदि आप साउथ इंडिया में जाओगे तो इसे इसे क्या कहा जाता है भैया? इसे जो है वो जिप सासी कुछ करके कहा जाता है, एग्जैक्ट मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन आप इतना याद रखो, वो जब ध्यान आएगा तो मैं किसी दिन क्लास में आपको बता दूंगा, पेपर में नहीं आता लेकिन वो, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लिखा है तमिलनाडु में थिमिथी त्योहार किसके सम्मान में मनाया जाता है? सीता, सुप्रखा, द्रौपदी, द्रौपदी या फिर पद्मावती जी, आंसर करें, बताएं। गुरुजी मुझे पढ़ाने का मौका मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है बेटा, बिल्कुल मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बताएं, बताइए क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, द्रौपदी की पूजा की जाती है, बताए इस दिन। द्रौपदी कौन थी? कुरुवंश की बधू बोलना चाहिए, है ना, कुरुवंश की क्या थी भैया? बहू थी, याद रखिएगा, कौन थी? द्रौपदी, पांडवों की पत्नी, पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी, याद रखिएगा, इनके सम्मान में थिमिथी त्योहार मनाया जाता है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इससे मुझे ध्यान आया, एक दिन मैं एक राइटर की किताब पढ़ रहा था, उस किताब में मैंने शुरुआत करी और बहुत गजब चीज लिखी थी। क्या लिखी थी? वो राइटर लिखते हैं, मैं दक्षिण भारत में यात्रा करने के लिए गया, ओरिजिनल रियल स्टोरी लिखते हैं, दक्षिण भारत में वो जगह का नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, तो मैं जब गया तो मैंने देखा कि बहुत विशाल जो है वो जलसा निकल रहा है, बहुत हजारों लोग जो है वो एक त्योहार मना रहे हैं और पूरा जो है वो रैली निकाल रहे हैं। तो इनको एक जानकर वो हुआ कि कुछ हो रहा है यहाँ पर, उन्होंने पूछा कि क्या ये क्या है, किस चीज का उत्सव मनाया जा रहा है? तो उन्होंने बोला ये दुर्योधन के सम्मान में निकल रही है, आप दुर्योधन सम्मान में रैली निकल रही थी, उत्सव मनाया जाता है और वहां पर भगवान दुर्योधन का मंदिर है, दुर्योधन का मंदिर है और उस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है। पता है आपको क्या है? कोई भी मूर्ति नहीं है दुर्योधन, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद है अभी, मैंने किताब में पढ़ा। वो लिखते हैं जब मैंने वो चीज देखी तो मैंने वहां के पंडितों से मिलना चाहा, मैं पंडितों से मिला तो पंडितों ने बताया कि जब दुर्योधन था, दुर्योधन जब पांचों पांडवों को ढूंढने के लिए, जब उनको वनवास दिया गया था, उनको ढूंढने के लिए जब साउथ की तरफ आया था, तो यहां जब उसको प्यास लगी तो एक बूढ़ी अम्मा ने पानी पिलाया,
लेकिन वो निम्न जाति की हुआ करती थी, ऐसा उसमें उन्होंने कहा। वो निम्न जाति की हुआ करती थी और राजकुमार के पुत्र कोई निम्न जाति का व्यक्ति पानी नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने दिया। और दुर्योधन ने कहा कि माता आप बिल्कुल मत डरो, क्योंकि मैं राजकुमार हूं, मैं कुछ नहीं, आप मुझे पानी दे सकती हो। और उन्होंने पूरा एरिया उतना जो है वो उस माता के नाम पर कर दिया और कहा यहाँ एक मंदिर बनवाना, उसमें कोई भगवान नहीं करना, कोई मूर्ति नहीं रखना। वो महिला का परिवार आज तक वहां पर पंडित के रूप में कार्य करता है। समझ में आ रहा, ये ऐसी स्टोरी थी मैंने आपको बता दी, है ना, आपके ज्ञान में थोड़ा सा इजाफा होगा, जानने को मिलेगा, चलेगा। रेडियम की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अब्दुस्सलाम, पियरी मैरी क्यूरी, रोनाल्ड रॉस। आंसर करेंगे क्या होगा, राइट आंसर बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी आंसर करेंगे, वेरी गुड। सीसीसी, वेरी गुड, वेरी गुड। आपसे बोला गया रेडियम की खोज, रेडियम की खोज के लिए इन्हें क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। हस्बैंड और वाइफ पियरे और मैरी क्यूरी, इनको केमिस्ट्री का नोबेल भी मिला और इन्हें फिजिक्स का नोबेल भी जो है वो दिया गया, रेडियम की खोज के लिए। इनको आप यहां पर ध्यान में रखिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है भाई? लिखा है स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय गायन के कौन से घराने से संबंधित थे? मल्हार, ध्रुपद, किराना या इटावा घराना, बताओ, जल्दी बताएंगे, फटाफट बताएंगे। बहुत बढ़िया, पूरा घर ले चुका है नोबेल नहीं, ये अच्छी बात है, कम से कम उन्होंने रिसर्च की है ना, उन्होंने जो है वो खोजा है, रेडियम को खोजा, बाकी चीजों को। ऐसे पति पत्नी मिलते हैं क्या, ये तो पता चला एक दूसरे से युद्ध करने में लगे रहते हैं, उनने तो खोज कर ली, समझ रहे हो, उनने कहा अपनी एनर्जी अपन लगाते हैं खोज में। स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी जी के बारे में पूछा गया, भैया ये कौन से घराने से संबंधित है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा भैया, इनका घराना है किराना घराना। कौन सा घराना है? किराना घराना, पंडित भीमसेन जोशी जी, नोट कर लेना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, बहुत बढ़िया सवाल है, आंसर करना। लिखा है किस काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है? किस काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है, बताएंगे। बिल्कुल आशीर्वाद है बेटा, है ना, आपको अपनी मेहनत करना है, बढ़िया करना है, शानदार तरीके से करना है, बताएंगे। गुप्त काल, वेरी गुड, याद रखिएगा। किस काल को भारतीय इतिहास में जो है वो स्वर्णिम युग के नाम से जो है वो जाना जाता है, याद रखिएगा। 320 से लेकर 550 ईस्वी तक जो है वो चलता है, 320 से लेकर 550 तक जो है वो चलता है, याद रखेगा, है ना। वो कौन सा आपका समय चलता है भैया? तो वो आपका चलता है किसका? गुप्त काल का। किसका चलता है? गुप्त काल का, है ना, इसको आप यहाँ पर नोट कर लेना। अच्छा, आपसे यहाँ पर बोला जाएगा गुप्त काल के संस्थापक का नाम बताओ, तुम क्या बोलोगे? गुप्त काल के संस्थापक का नाम क्या है? गुप्त काल की, गुप्त काल बोल रहा हूँ, गुप्त वंश की बात करूं, ये गुप्त काल है, मैं गुप्त वंश की बात कर रहा हूँ ना, तो तुम गुप्त काल के संस्थापक बता दो, संस्थापक का नाम क्या है, तो आप आंसर क्या करना, आप सीधे बोलना श्री गुप्त है। आपसे बोला जाएगा गुप्त वंश के, हाँ जी, गुप्त वंश के किस राजा को, किस राजा ने महाराज की उपाधि धारण करके रखी थी? तो महाराज की उपाधि श्री गुप्त ने धारण करके रखी थी। इनके बाद आते हैं कौन? घटोत्कच आते हैं, घटोत्कच गुप्त आते हैं, ध्यान रखिएगा। इनके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण करके रखी थी? महाराजाधिराज की उपाधि, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करके रखी थी, किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने, इनको आप ध्यान में रखिएगा। और लिच्छवी वंश की राजकुमारी पूछा जाता है, लिच्छवी वंश की राजकुमारी ने, राजकुमारी के साथ किसने विवाह किया था? वो किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, याद रखेगा। इनमें एक और मिलते हैं भैया हमको, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ने पूरे भारत को विजय करने के लिए अभियान चलाया था और इन्हें कहा जाता है क्या? भारत का नेपोलियन, है ना, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद आते हैं कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? महाराजा विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ये करते हैं उज्जैन से शासन, मध्य प्रदेश के उज्जैन से शासन करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा। और इनके दरबार में हुआ करते थे नवरत्न, जिनमें से सवाल आता है बताइए कालिदास किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। वेताल भट्ट किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। धनवंतरी किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। अमर सिंह किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। छपनक किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा।
ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो पेन पेपर लेकर बैठा है लिख लो, क्योंकि जिस बच्चे को ये याद नहीं है वो आपसे किसी ना किसी दिन पीछे हो जाएगा। समझ गए? अब बढ़ते हैं आगे। राइट आंसर क्या होगा भैया? राइट आंसर होगा गुप्ता, गुप्त काल। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, लिखा है दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवाओं में से एक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पियरे क्यूरी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, मैरी क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, पता है? बहुत बढ़िया, सभी को करना है, जल्दी करना है, ध्यान देना है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? पेनिसिलिन के आविष्कारक का नाम पूछा है मेरे दोस्त, तुम बहुत अच्छे से बता दोगे। पेनिसिलिन की जो शुरुआत करी गई थी वो 1940 के दशक में की गई थी, 1940 के दशक में की गई थी, और इसको खोजा था किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो पहली बार पेनिसिलिन की दवाई जो है वो यहाँ पर बनाते हैं, नोट कर लेना, ठीक है? चलेगा, आगे बढ़ते हैं भैया। क्या लिखा है? कनिष्क एक राजा था, कहाँ का राजा था? कनिष्क, कनिष्क एक राजा था, कहां का राजा था पूछा गया है, बताएंगे। जीएस में 18 कर दिए, बहुत अच्छी बात है। देखो मैं बता दूं, मुझे लगातार जो मिल रहे हैं ना वो इतने ही मिल रहे हैं, 20 में से 18, 19 और 20 ये कर आ रहे हैं। तो कोशिश आपको, जिनका भी पेपर है ना, आप लोग कोशिश करना आप इसी के अंदर रहो। जीके जीएस का 20 क्वेश्चन में से जीके जीएस में जो सवाल हल कर आ रहे हैं बच्चे, इतना करके आ रहे हैं, आपको इसके अंदर में रहना। बिल्कुल मजाक में मत लो, बिल्कुल मजाक में मत चलो, है ना? क्योंकि ध्यान रखना, दी तुमने मजाक कर दिया इस पृथ्वी के साथ, इस नेचर के साथ, इन सब चीजों के साथ, तो तुम्हारे साथ नेचर मजाक करेगा ना, तो रोने भी नहीं देगा और मारेगा भी खूब। समझ में आ रहा है विनोद? चलेगा। कनिष्क एक राजा था, कहाँ का राजा था भैया? कुषाण वंश का राजा था कनिष्क, इसको आप ध्यान में रखिएगा, है ना? और इसके समय में कुषाण वंश अलग ही चरम सीमा पर पहुंच चुका था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इन्हीं के एक शासक थे, संस्थापक थे, क्या नाम था? कोजोल कडफिसस, है ना? कोजोल कडफिसस, उनको भी आप यहां पर जो है वो ध्यान में रखिएगा, कोजोल कडफिसस, वो भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है बताओ? किस प्रसिद्ध तबला वादक का पुत्र भी एक प्रसिद्ध तबला वादक है, जिसने अंतरराष्ट्रीय बैंड के साथ सहयोग किया है? उस्ताद बिस्मिल्ला खान, उस्ताद अमजद अली का, उस्ताद राशिद खान, उस्ताद अल्लाह रखा खान। आंसर करेंगे, बताएंगे, सभी आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बताते चले। बढ़िया बढ़िया जाएगा पेपर, बढ़िया मेहनत करो। चलो आंसर करो भैया, इसका क्या होगा राइट आंसर बताएं। बहुत बढ़िया, चलेगा। तो भैया ध्यान में यहां पर आपको रखना है, क्या रखना है आपको यहां पर ध्यान रखना है? तबला वादन। तो भैया देखो, उस्ताद बिस्मिल्ला खां को हम किस लिए जानते हैं मेरे दोस्त? तुमको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, इनको जानते हैं हम सेनाई वादन के लिए। उस्ताद अमजद अली खां साहब को किसके लिए जानते हैं? ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, सरोद वादन के लिए। उस्ताद राशिद खान को हम किस चीज के लिए जानते हैं? तो ये जो है वो एक क्या है, म्यूजिशियन है या संगीतकार है। और उस्ताद अल्लाह रखा क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। और इनका पुत्र भी अब जो है वो क्या बजाता है? तबला बजाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गया? तो ये आप यदि इतना बस याद रखो ना, तो तुमको इतना लंबा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना। यहाँ लिखा था तबला वादक, तुम बोलते ये तो है ही नहीं, ये होंगे राइट आंसर, बात खत्म हो गई, आगे बढ़ गए हम उतने में, है ना? युद्ध जीतना है तो मेहनत भरपूर करनी होगी। मध्य प्रदेश में नेपा नगर को किस लिए जाना जाता है? न्यूज प्रिंट फैक्ट्री, चीनी मिल, इस्पात कारखाना, मिट्टी के बर्तन। आंसर करेंगे, बताइए। ये एसी बीच बीच में ना पागल हो जाती है, उसको जब कोई सवाल वैसा लगता है ना, याद नहीं होता, तो वो फिर बोलती सर याद नहीं हो रहा, तो आवाज आती है उससे। क्या लिख रहे हो? ए ए ए क्या बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश में नेपा नगर को किस चीज के लिए जाना जाता है? तो भैया नेपा नगर को किस चीज के लिए जाना जाता है? अखबार। बहुत बढ़िया, न्यूज़पेपर मिल आपको यहां पर मिलेगी, है ना? किसके लिए मिलेगी? अखबारी कागज, वेरी गुड। क्या होगा, कहां लिखा है? न्यूज प्रिंट फैक्ट्री, जहां पर क्या मिलता है? अखबारी कागज का कारखाना है। अखबारी जिसने शुरुआत में पढ़ा होगा, मैंने आपको चार मुद्रण केंद्र बताए थे। अखबारी कागज का क्या है भैया यहां पर? मिल है, इसको आप ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के कहां पर? नेपा नगर में, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है?
चलेगा। भारत की पहली स्वदेशी अखबार की मिल थी, पता है आपको? मराठा शासन काल में सर देशमुखी क्या था, बताएंगे। राजस्व पर वसूल किया गया कर, शिवाजी को दिया गया नाम, पेशवा के समकक्ष पदनाम, मराठा शासन काल के दौरान एक सिक्का। आंसर, सर दिख नहीं रहा, एक बार मुंह धो लो, दिखाई देगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहां तो सारी चीजें सही है और पिक्सल को थोड़ा सा बढ़ाओगे तो वो भी सही हो जाएगा। चलेगा, आंसर करेंगे सर देशमुखी, आंसर करना है कि भैया ये क्या था, बताएंगे। बहुत बढ़िया, चौथ टैक्स एंड डी ऑप्शन, क्या लिख रहे हो? मराठा शासन काल में सर देशमुखी, राजस्व पर वसूल किया गया कर हुआ करता था, क्या हुआ करता था? एक कर था, एक टैक्स था, इसको आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। और ये क्या करते थे सर देशमुखी, इनके जो पड़ोसी राज्य हुआ करते थे, जहां पर इनकी हुकूमत होती थी, उनसे क्या करते थे? कुछ रेवेन्यू से कुछ टैक्स जो है वो लिया करते थे, वो सर देशमुखी जो है वो कहा जाता है, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट आता है, क्या लिखा है? देवनागरी किस लिपि से विकसित हुई, ब्राह्मी, हिब्रू, काना या इनुक्तिकुट, क्या होगा राइट आंसर, बताएंगे। चौथ भी लिया जाता था, चौथ मतलब 1/4, 25%, है ना, बहुत बढ़िया। सभी आंसर कर देंगे, जल्दी कर देंगे, फटाफट कर देंगे, बताएंगे क्या होगा राइट आंसर, क्या हो गया? ए ए ए ब्राह्मी, बेटा देवनागरी लिपि कहां से विकसित हुई है पूछा गया, तो याद रखिएगा वो हुई है ब्राह्मी लिपि से विकसित। अच्छा, ये किस आर्टिकल में लिखा है कि भैया भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, ये कहां पर लिखा है बताओ जल्दी से, ये कहां पर लिखा है? आर्टिकल 343 अनुच्छेद 43 क्या लिखता है कि भैया राजभाषा क्या होने वाली है, राजभाषा आपकी जो है वो हिंदी होने वाली है, क्या होने वाली है? हिंदी होने वाली है, और लिपि जो है वो कौन सी होगी, तो लिपि जो है वो आपकी देवनागरी होगी। ये कहां पर लिखा है, तो आर्टिकल 343 में जो है वो आपको देखने को मिल जाता है, ध्यान में रखना। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। लिखा है किस वर्ष बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया, बहुजन समाज पार्टी कब बनी आपको बताना है, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एसएसबी दौड़ निकाल लिया है, बहुत अच्छी बात है भाई। किस वर्ष बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का जो है वो गठन किया गया था, आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, फटाफट करेंगे। बीएसपी आपको बताना है भैया, ये कब बनी, बीएसपी जो है वो कब बनी, ये पूछा गया है, बताएंगे। क्या लिख रहे हो? 1984, पूरी डेट याद रखो, क्या रखना है, वो रखना है आपको 14 अप्रैल। क्यों है 14 अप्रैल इंपॉर्टेंट, क्योंकि 14 अप्रैल को जो है वो बाबा साहब अंबेडकर का जयंती पड़ता है, तो बीआर अंबेडकर साहब की जयंती के दिन 1984 में जो है वो क्या किया जाता है, काशी राम जी के द्वारा जो है वो यहां पर बीएसपी का गठन किया जाता है, और अभी इसको हेड कर रही है कौन, मायावती जी, इनको आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। समझ गया, गया? कौन कर रही है, मायावती जी कर रही है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है सवाल, लिखा है लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष का नाम बताइए, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण जी, बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। आज संडे क्लास है बेटा, जो लोग पूछ रहे हैं, आज संडे क्लास है और आज मैराथन चलेगी मेरी क्लास आपकी 10 बजे रात तक चलेगी, है ना, तो मैं आपके साथ हूं रात 10 बजे तक प्राइम टाइम। बहुत बढ़िया, क्या लिख रहे हो? सी और ए, वेरी गुड। सी और ए मतलब कि स्मृति ईरानी और मीरा कुमार, इतनी गलती, इतनी बड़ी गलती तुम्हारे जीवन में कैसे हो सकती है बताओ। चलेगा, तो आंसर क्या होगा भैया, ध्यान में रखिएगा, है ना, क्या होगा राइट आंसर। लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन होने वाली है, तो वो होने वाली है आपकी सुमित्रा महाजन, जिन्हें हम जानते हैं किसके नाम से, ताई के नाम से जानते हैं, सुमित्रा महाजन। 16वीं लोकसभा में क्या थी भैया, लोकसभा स्पीकर थी, कौन? सुमित्रा महाजन जी, इनको आप ध्यान में रखेगा। मीरा कुमार थी पहली महिला अध्यक्ष, मंद मंद मुस्कुराती रहती थी, है ना, इनको आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गया। बाकी यदि हम निर्मला सीतारमण की बात करें, देखो इनकी बात करते हैं, तो अभी यदि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर की बात करेंगे तो वो कौन है, स्मृति ईरानी। निर्मला सीतारमण जी क्या है, फिनांस मिनिस्टर, शानदार पर्सनालिटी है,
इनको देखकर बड़ा शानदार लगता है मुझे, क्या बढ़िया तरीके से इन्होंने बजट पेश किया। और जब आप इनके इंटरव्यू वगैरह देखोगे ना, इतना सटीक आंसर करती हैं। और दूसरी चीज, साउथ इंडिया का होने के बावजूद, हिंदी अच्छी नहीं होने के बावजूद ये हिंदी में बात करती हैं। बहुत शानदार, मतलब अद्भुत महिला है साहब। लगातार इनको इन्होंने पांच से छह बार बजट पेश कर दिया है। ऐसी महिला है साहब, इनको आप ध्यान रखिएगा। पहले ये रक्षा मंत्री भी बनी, रक्षा मंत्री बनी, और फिर जो है वो क्या बनी, फाइनेंस मिनिस्टर बनी। ध्यान रखिएगा, इनके पिताजी पता है क्या करते हैं, रेलवे में नौकरी, समझ रहे हो। तो कोई व्यक्ति भी कहीं तक पहुंच सकता है, बस आप में टैलेंट हो, वरना आपको सारी जायदाद प्रॉपर्टी ऐसे रख दी जाए ना बेटा, तो भी तुम डूब ही जाओगे, उसी में डूब जाओगे घुसकर, समझ रहे हो विनोद। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। आंसर करेंगे, ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए 1857 में मंगल पांडे को किस जगह फांसी पर चढ़ाया गया था, बनारस, कलकत्ता, बैरकपुर या फिर इलाहाबाद। आंसर करें, जल्दी करें, बताइए। सर पेपर निकल जाए ऐसा जादू बता दो, जादू बता दूंगा तुमको। है किसी के पास जादू तो बता दो भाई उसको। क्या लिख रहे हो, सी और डी, सी, बहुत बढ़िया। क्या लिख रहे हो, बैरकपुर। चलिए ध्यान रखिएगा, आपको बहुत अच्छे से पता है साहब, भारत में अचानक से क्रांति आ गई थी, ऐसा लोग कहते हैं। क्रांति अचानक से नहीं होती मेरे दोस्त, बहुत एक लंबा प्रोसीजर होता है। जब किसी को आप बार 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 टॉर्चर करोगे, एक दिन फट जाएगा। वही हुआ किसके साथ में, भारतीयों के साथ में। भारतीयों के साथ लगातार जो है वो चीजें घटित हो रही थी। सबसे पहले आ जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी, मतलब हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी लेकर आता है, नियम बना देता है कि भैया क्या करना है, सभी राजाओं का हम राज्य हड़प लेंगे यदि वो राजा नहीं रहेंगे और उनके पुत्र नहीं रहेंगे तो। उसके बाद किसान नाराज होते हैं कि बहुत लगान वसूली जाती है। उसके बाद मुगल बादशाह नाराज हो जाते हैं कि भैया हम इतने बड़े मुगल बादशाह थे तो हमसे बोल रहे हो, हम कुतुब मीनार कैसे रहेंगे, कुतुब मीनार में रहना पड़ेगा मेरे दोस्त, अब तुम्हारा समय गया। उसके बाद नवाबों से बोलते हैं अब तुम्हारी कोई उपाधि नहीं है, आम आदमी भैया वैसे ही रहना पड़ेगा। सैनिकों से कहते हैं अंग्रेज, क्या कहते हैं, कि तुमको सूबेदार से ऊपर का पद नहीं देंगे। हो जाती है 1857 की क्रांति, सारे लोग मिलकर अपने लिए लड़ाई लड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, देश के लिए नहीं, अपने लिए लड़ते हैं और निश्चित करते हैं कि हम क्या करेंगे। 31 मई 1857 को सभी लोग पूरे देश भर में, नॉर्थ इंडिया में, एक साथ जो है वो 1857 की क्रांति की शुरुआत कर देंगे। ये दिन क्या किया गया था, निश्चित किया गया था। लेकिन अचानक से एक दिन जो है वो बैरकपुर छावनी में क्या होता है भैया, बैरकपुर छावनी में गुस्सा आ जाता है। किसको, वो आ जाता है किसे, मंगल पांडे को, और वो दो अंग्रेज ऑफिसर्स की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और उसके बाद ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और क्या होता है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी जाती है। अब बाकी सैनिक क्रोधित रहते हैं, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर 31 मई का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन करते करते उस दिन भी नहीं रुकते हैं, और 20 दिन पहले ही 10 मई 1857 को मेरठ से सैनिक जो है वो विद्रोह की शुरुआत कर देते हैं। ध्यान में रखेगा, तो विद्रोह की शुरुआत होती है 10 मई 1857 को। फिर दिल्ली पहुंचते हैं और मुगल बादशाह को बोलते हैं तुमको चाहिए ना कि किले में रहना है, तुमको लाल किले में रहना है। बोलता हाँ रहना है, तो एक काम करो तुम लीडर बन जाओ। बलि का बकरा बनाते हैं, लीडर नहीं बनाते। उसके बाद जो है वो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया जाता है। इसको आप ध्यान रखना, इस प्रकार से जो है वो चीजें चलती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष का नाम, कुशाभाऊ ठाकरे, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी। आंसर कर दो, जल्दी कर दो, बनाएंगे क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, क्या बोले, 13 फरवरी को है, उस दिन तक हार्ड हो जाएगा पेपर। हार्ड कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हार्ड तो सिर्फ हम है, तुम है और कोई नहीं है। चलिए क्या लिख रहे हैं, सीबीडी, तीन आंसर सीबीडी, मतलब लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी जी। कोई बात नहीं, देखो एक चीज और मेरी आप बात ध्यान रखना, आप जब ये बात निकल कर आई है तो दूर तलक जाएगी। पहले सभी आंसर कर दो, फिर मैं जो है वो आपको यहां पर बताता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी इज द राइट आंसर। आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्या हुआ था, थोड़ा सा स्टोरी में पीछे जाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, उसके पहले जाओगे तो लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लोगों की आंखें चौंधिया जाती है, ये व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री बन गया भाई।
उसके बाद आपको पता है बहुत सारी चीजें होती है, उनका निधन हो जाता है और फिर आती है देश में इंदिरा गांधी जी की सरकार। इंदिरा गांधी जी आती है, फिर उन पर थोड़ा सा कुछ कार्रवाई हो जाती है और उनको चुनाव लड़ने का मना कर दिया जाता है और देश में काले समय की शुरुआत होती है और क्या होता है, इमरजेंसी लगा दी जाती है। इमरजेंसी से सारे नेताओं को जेलों में बंद कर दिया जाता है और उसके बाद आक्रोश बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद जब चुनाव होते हैं तो क्या होता है साहब, चुनाव होने के कारण जनता पार्टी की सरकार आती है। पहली बार 1978 में क्या होता है, जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, पहली गैर कांग्रेसी सरकार आती है और प्रधानमंत्री बनते हैं कौन, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इनकी सरकार को भी जो है बाद में गिरा दिया जाता है। ये लेकर आते हैं, ये 5 ईयर प्लान को समाप्त करते हैं और पूछा जाता है जनता पार्टी की सरकार के दौरान कौन सा प्लान आया था, तो वो आया था रॉलिंग प्लान। क्या आया था, रॉलिंग प्लान आया था, इसको आप ध्यान रखना। 1978 के बाद ये जनता पार्टी भी टूट जाती है और टूट कर निकलती है कौन सी, 1980 में साहब बनती है कौन सी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, और इसकी कमान संभालते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, महापुरुष व्यक्ति, प्रधानमंत्री पद की गरिमा बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी वो प्रधानमंत्री है साहब जिन्होंने सबसे पहले 13 दिन की सरकार चलाई, उसके बाद दूसरी बार चुने गए तो 13 महीने की सरकार चलाई और फिर चुने गए तो सीधे के सीधे 5 साल तक सरकार चलाई। हम झुकेगा नहीं साला, मतलब झुकेंगे नहीं, है ना, तो 5 साल तक जो है वो क्या करी इन्होंने, सरकार चलाई, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ही पोखरण 2 हुआ था, भारत परमाणु शक्ति संपन्न बन गया था और इन्होंने आकर दुनिया के सामने बोल दिया था नो फर्स्ट यूज, हम जो है वो पहले परमाणु बम से हमला नहीं करेंगे। ये हमारी हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति, हमारे प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं कि हमारे पास ताकत आई है तो हमारे पास कुछ कर्तव्य भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने बताया हमारे इतिहास में कभी हमने किसी पर हमला नहीं किया तो हम नहीं करेंगे, जब तक कोई हमको हमला ना करे तब तक। अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर अचानक क्या होते हैं भैया, हमारे बीच से चले जाते हैं और 16 अगस्त 2018 को इतने बड़े महापुरुष साहब जिनकी मृत्यु के लिए यमराज भी एक दिन वेट कर लेता है क्योंकि रहता है 15 अगस्त, उस दिन ना होकर 16 अगस्त को इनका निधन हो जाता है और निधन क्या कहें, हमारे बीच हमेशा जीवित रहेंगे, इनकी समाधि का नाम है सदैव अटल। क्या है भाई, सदैव अटल, अद्भुत प्रधानमंत्री साहब। इनके समय में चलाया गया था सर्व शिक्षा अभियान, भारत में लिटरेसी जो था मतलब स्कूलों में बच्चों का रजिस्ट्रेशन रेट बहुत कम था, इन्होंने चलाया स्कूल चले, हम आपने सुना होगा सर्व शिक्षा अभियान चलाया था और उसी के बाद से जो है वो रजिस्ट्रेशन रेट बहुत सारे बढ़ गए थे, लोगों के एडमिशन बढ़ गए थे और वो गाना आता था ना, सज धज के निकले हम स्कूल चले, मुझे तो अभी तक टाइमिंग भी याद है, 11:25 से 30 मिनट के बीच में आता था तभी सुनकर हम स्कूल जाते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बात करेंगे, भारत रत्न को मिला, इसको आप ध्यान रख लो, बाकी चीजें क्या है, पहली बार यूनाइटेड नेशन में हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति थे, वो भी आप ध्यान में रखना, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। अच्छा, अभी कौन है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, तो अभी कौन है, जेपी नड्डा जी हैं, कौन है, जगत प्रसाद नड्डा जी, जेपी नड्डा जी हैं, वो भी आप यहां पर ध्यान में रखिएगा, हमारे घर के पास इनका ससुराल है, राइट। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो एक बार ना इनके इतिहास को, इनकी कुछ चीजों को अच्छे से पढ़ लेना, यदि चाहते हो पेपर में कुछ छूटे नहीं तो, ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है क्या, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स, वाक्यांश किस नाटक का है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर, मैकबेथ, बताए, चलिए सभी आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, क्या होगा राइट आंसर, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, मतलब दुनिया जो है वो क्या है, हसीनों का मेला नहीं है, दुनिया जो है वो एक क्या है, एक स्टेज है साहब आपके लिए और हम सब प्लेयर हैं, मैन वुमेन सब जो है वो प्लेयर हैं यहाँ पर, है ना, हम सब नाच रहे हैं, समझ रहे, और हमको लगता है हम कर रहे हैं दुनिया में सब कुछ, हम नहीं कर रहे मेरे दोस्त, कभी इस चीज में मत रहना कि आपके कारण से कुछ होता है, आप एक तिनके के बराबर भी नहीं हो, आप जीवन में यहां पृथ्वी पर रहो या ना रहो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन हम जब जीवित रहते हैं तब हम घमंड में रहते हैं, ये काम हमारे कारण हो रहा है, है ना, चलिए क्या लिख रहे हो, ए और सी क्या है भैया, मर्चेंट ऑफ वेनिस और जूलियस सीजर, बहुत बढ़िया, सभी आंसर कर दो भी, याद रखेगा इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे, तो याद रखेगा एज यू लाइक इट,
क्या है एज यू लाइक इट, और ये लिखा गया किसके द्वारा, विलियम शेक्सपियर, महान भैया साहित्यकार बोल सकते हैं विलियम शेक्सपियर, याद रखिएगा इनके द्वारा लिखा गया ये नाटक है जिसे हम कहते हैं एज यू लाइक इट, और इसमें ये डायलॉग जो है वो बोला जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। मैं यदि हम बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर जो है वो आपका ही हो गया। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर मैकबेथ भी जो है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, नोट कर लेना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत में प्रॉब्लम, चलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताएं किस वर्ष में राइट बंधुओं ने दुनिया की पहली सफल नियंत्रित संचालित उड़ान पूरी की, 1908, 1909, 1903, 1911 आंसर करेंगे क्या होगा राइट आंसर, बताए। लाइक की संख्या कम दिख रही है, बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। लाइक किसी के लिए बचा के रखे हो गया तुमने, वो दिन चालू हो रहा है कि हो गए वो वाले दिन, कब से चालू होते हैं सर, 12 बजे वाली क्लास क्यों नहीं ली, आज 12 बजे नहीं थी मेरे दोस्त, आज 5 बजे थी क्लास, आज संडे था है ना। और कल भी मैं बता दूं, कल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 12 घंटे की शानदार मैराथन होने वाली है, और उसमें आपके सभी टीचर वहां पर पढ़ाने वाले हैं, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा दोपहर में 11 बजे से, राइट। उसके पहले विवेक सर आएंगे 9:30 से 11 बजे तक। 1911 सभी आंसर कर दो क्या होगा राइट आंसर, बताएंगे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा भैया, राइट आंसर होगा 1908, क्या होगा, सॉरी 1908 नहीं 1903 यहां पर होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। राइट बंधु बिल्वर और ऑरविले है ना, बिल्वर और ऑरविले, नाम बहुत खूबसूरत है इनके, चलेगा ध्यान रखेंगे। बिल्वर और ऑरविले, ऑरविले जो है ये क्या नाम है इनका, राइट है ना, इन्होंने जो है वो क्या किया, पहली सफल उड़ान उड़ी थी। अब कई बार पेपर में पता है क्या आता है, इनके नाम पूछे जाते हैं, तो आप नाम भी याद रखेगा, 1903 इज द राइट आंसर, ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताएं भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, उपक्रमों पर, स्वामित्व के आधार पर, कच्चे माल के प्रयोग के आधार पर, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, रोजगार नीतियों के आधार पर, आंसर करेंगे जल्दी करेंगे, बताएं क्या है भैया। बेटा आशीर्वाद है, मैं बोल रहा हूं ना, आपको करना क्या उस बात का ध्यान रखें, भरपूर आशीर्वाद है, और माँ सरस्वती यदि मेरी जवान पर होंगी ये अच्छी, देखो क्या होता है पता है, आपने अपनी जवान को हमेशा शुद्ध रखो, हमेशा पवित्र रखो, अच्छी बातें करो, माँ सरस्वती का आपके गले पर यदि आशीर्वाद हो गया ना मेरे दोस्त, जो चाहोगे वो मिलेगा, समझ रहे हो। लेकिन हम गलती वहीं करते हैं, क्या करेंगे, सिगरेट पी के तो वैसे धुआं कर देते हैं, तो सरस्वती जी होंगी तो निकल जाएंगे ना, समझ रहे हो, फिर उसके बाद गाली देना, फिर उसके बाद बुरा भला बोलना है ना, फिर उसके बाद पता नहीं क्या करना, तो अब गले में जगह ही नहीं बची, इतना कुछ तो भर के बैठे हो। चलिए क्या है भाई, सीबीए क्या लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी उपक्रम में डिवाइड करना है तो क्या होता है भैया, तो याद रखिएगा उसे कहा जाता है उपक्रमों के स्वामित्व के आधार पर। आराम से समझना बात क्या है, जीवन भर काम पड़ेगी, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना बेटा पूरे जीवन भर काम पड़ेगा, तुम्हारे बच्चों के सामने तुम्हारी बड़ी इज्जत होगी है ना। चले एक होता है सार्वजनिक, होता है निजी, सार्वजनिक मतलब आप ये मत समझना कि आप सबका मतलब आपकी सरकार का कुल मिलाकर, सरकार आप ही की है, निजी मतलब होता है कि आप प्राइवेट। तो अब कैसे पता चलता है भैया, तो उपक्रमों के आधार पर जो है वो अर्थव्यवस्था को वो किया जाता है। मान लीजिए कि सारे के सारे उत्पादन के साधन किसी प्राइवेट फर्म या किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में है तो उसे कहा जाता है निजी अर्थव्यवस्था, या उसे कहा जाता है कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका एग्जाम्पल है अमेरिका, अमेरिका में जो है वो सारी चीजें प्राइवेट पर जो है वो कार्य करती है, प्राइवेट कंपनियां सारी चीजें करती है, उनका मेन उद्देश्य होता है पैसा कमाना कमाना कमाना। हमारा देश पहले जो था वो सार्वजनिक पर था, या हम इसे कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, क्या कहते हैं, एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था है ना, समाजवादी, हमारी अर्थव्यवस्था समाजवादी थी, लेकिन फिर हमारी कंडीशन हो गई खराब। समाजवादी क्या होती है, उत्पादन के सारे के साधन सरकार के हाथ में होते हैं है ना, जैसे फैक्ट्रीज हो गई, बाकी चीजें हो गई, वो सब सरकार के हाथ में, सरकार सब में बराबर बांटती है, ये सिस्टम होता है। लेकिन हमने क्या किया, 1991 में जब एलपीजी आया तो हमारी इकोनॉमी कैसे हो गई, मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई, कैसी हो गई, मिक्स्ड इकोनॉमी यहाँ पर हो गई है ना, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ पर, आधी कुछ चीजें प्राइवेट के हाथ में है और कुछ चीजें जो है वो सरकार के हाथ में, ऐसा हमने कर दिया, ध्यान में रखना, समझ में आ गया।
चलेगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? व्यय पद्धति, उत्पादन पद्धति, वस्तु प्रवाह पद्धति और निवेश पद्धति। आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, फटाफट करेंगे, बताइए क्या होगा राइट आंसर, बताएं क्या लिखा हुआ है भैया। लिखा हुआ है कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का यूज किया जाता है। यदि आपको कृषि आय का मापना है तो किस पद्धति का यूज करते हैं, बताओ। सी, बहुत बढ़िया सर, क्लियर नहीं दिख रहा। अपने यहां पर बहुत सारे लोगों की आंखें खराब है, मतलब एक डॉक्टर होना बहुत जरूरी है, इसे सभी लोगों कम से कम एक बार आंखें चेक, एक बार आप लोग चेक करवाओ ना, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार कई ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें आंखों का जो है वो पूछा जाता है, कितना जो है वो जरूरत है ना, नहीं दिक्कत होगी। चलेगा बी बी बी, सर्कल पेपर निकल जाएगा, पेपर तो निकल जाएगा, बस पास होने का झंझट रहता है, पेपर तो कल होगा और निकल जाएगा, तुम रोक भी नहीं पाओगे उसको मेरे दोस्त, है ना, बढ़िया से रहो, क्या दिक्कत, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। ध्यान रखिएगा उत्पादन पद्धति, है ना, तो भारत में कृषि आय को मापने के लिए क्या है, उत्पादन पद्धति पर जो है वो निर्भर रहना पड़ता है। ये देखते हैं कि हमने कितना व्यय किया, कितना जो है वो हमारा उसमें पैसा लगा और कितना उत्पादन हुआ, उससे कृषि आय जो है वो मिलती है, प्राप्त होती है, ध्यान में रखेंगे। समझ में आ गया, चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, क्या लिखा है बताओ। पूछा गया है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था, नेशनल इनकम के बारे में अनुमान बताएंगे। प्रोफेसर पीसी महाल लोवेस, डॉक्टर वी के आर वी राव, दादा भाई नरोजी, एम जी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, आंसर करें, बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर। चलिए डी डी डी, दादा भाई, अच्छा दादा भाई और सी आंसर कर रहे हो, वेरी गुड, सभी आंसर करेंगे। ये घटना है, यदि तुमसे कोई ईयर पूछ ले कि चलो नेशनल इनकम बताई, वो अच्छी बात है, राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में बताया, बढ़िया बात है। कब बताया था, 1867 में, है ना, 1867 में जो है इन्होंने नेशनल इनकम के बारे में बताया, किसने, दादा भाई नेहरू जी, याद रखेगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो हमें क्या करते हैं भैया, जानते हैं, याद रखिएगा, दादा भाई नेहरू जी, है ना, ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले व्यक्ति हैं, है ना, वहां की जो है वो लोकसभा में चुने गए, कौन, दादा भाई नेहरू जी, राइट। इसके अलावा इन्होंने क्या दिया था भैया, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, इन्होंने बताया कि अंग्रेज कैसे भारत का पैसा धीरे धीरे कर कर क्या कर रहे हैं, विदेश ले जा रहे हैं, कौन है, दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे, पहले क्या थे, पारसी अध्यक्ष थे, वो भी आप यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अभी इनके मकान का, इनका मकान कहाँ पर है, लंदन में है, और लंदन में इनके मकान को ओल्ड प्लैंक का दर्जा जो है वो दे दिया गया, है ना, किसको दिया, सॉरी ओल्ड प्लैंक बोल रहा हूँ, ब्लू प्लैंक का दर्जा दे दिया गया, किसका, ब्लू प्लैंक का जो है वो क्या दे दिया गया है, दर्जा दे दिया गया, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है सवाल। चितरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। आप लोग लगातार लगे थे ना पंचवर्षीय योजना सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल आते हैं साहब, आंसर करो, क्या बोल रहे हो। हाँ जी, किताब लिखी थी इन्होंने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी आंसर करेंगे। वीएसएफ एएसआई के लिए क्लास है, मुझे आपका कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं, ठीक है। वीएसएफ के लिए सीआईएसएफ के लिए क्लास चल रही है, 2.0 पर चल रही है, आप उस पर पढ़ लिया करो, दोपहर में 2 बजे मैं वहां पर पढ़ाता हूँ, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। क्या लिख रहे हो भैया, दूसरी, सभी आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर, दूसरी, बहुत बढ़िया, सभी करेंगे भैया, याद रखिएगा, दूसरी नहीं होगा, पहली होगा, है ना, क्या होगा भैया, पहली होगा, फर्स्ट होगा 1951, है ना, इसमें जो है वो चितरंजन रेल इंजन कारखाना के लिए जो है वो नींव रखी गई थी, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए कुछ चीजें ध्यान रखना, यदि कोई आपसे बोलेगा बताइए 5 ईयर प्लान जो है वो हमने कहां से लिए है, तो ये हमने लिए है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए है, राइट।
उसके बाद यदि हम बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो 1951 से लेकर 1956 तक जो है वो चलती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। किस पर थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और इस पर विशेष ध्यान दिया गया था कृषि अर्थव्यवस्था पर, राइट। फिर दूसरी अर्थव्यवस्था भी देख लेते हैं भैया, सेकेंड पंचवर्षीय योजना 56 से लेकर जो है वो 61 तक चली थी, इसको आप यहां पर ध्यान रखिएगा। और इसमें बात किसकी की गई थी, उद्योगों की बात की गई थी, है ना। सेकंड में किसकी बात की गई थी, इंडस्ट्री, और पीसी महान लोबिस मॉडल पर आधारित थी, वो भी आप ध्यान रखना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो आपकी 61 से चालू होती है, और इस पंचवर्षीय योजना की यदि हम बात करते हैं तो इसमें कृषि और गेहूं के उत्पादन पर जोर दिया गया, मतलब हरित क्रांति आती है भैया इसके दौरान। फिर आती है फोर्थ पंचवर्षीय योजना, और फोर्थ फाइव ईयर प्लान गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। किस पर था? गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित था, ध्यान में रखना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या लिखा है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, सरपंच, राज्यपाल या फिर महापौर, बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी कर दें, जल्दी कर दें, देरी नहीं करना है, बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल बढ़िया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया है, बिल्कुल जाना ही चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या लिख रहा हो, मेयर, बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता, मेयर। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे आपने देखा होगा देश में राष्ट्रपति होता है ना, वैसे ही राज्य में राज्यपाल होता है, वैसे ही आपके नगर निगम में महापौर होता है। असली काम तो जो नगर निगम आयुक्त होते हैं, जो नगर निगम कमिश्नर होते हैं ना, वो कार्यकारी प्रमुख होते हैं, वो पूरा काम संभालते हैं, ये ठप्पा लगाते हैं बैठकर, महापौर जी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे लगभग आप वही पद उसी तरीके से जो है वो बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कौन सी सरकार महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर देने में विश्वास रखती है, नारीवादी सरकार, धर्मनिरपेक्षवादी सरकार, जातिवादी सरकार या सांप्रदायिक सरकार, आंसर करेंगे क्या होगा राइट आंसर, बताएं। कोई पेपर नहीं है फिर भी पढ़ रहा हूं, बिल्कुल पढ़ना चाहिए भाई, पेपर तो होता रहेगा जीवन में, कब कौन सा पेपर जीवन में सामने आ जाए, पढ़ाई तो करते रहो। बी और डी, जैन 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 बैठ जाए, इतना लेट आ रहे हो। कौन सी सरकार, देखो अब आप क्या बोल रहे हो, आप पता है क्या होता है, पेपर देखकर आप वो आंसर करते हो जो आपने कभी सुने हैं, है ना, इसलिए कहते हैं ना अच्छा सुनो अच्छा बोलो। अब आपने क्या सुना है, धर्मनिरपेक्ष, इसलिए ज्यादातर आंसर आ रहे हैं बी, और आपने सुना है सांप्रदायिक, इसलिए ज्यादातर आंसर आ रहे हैं डी, ज्यादातर देखो बी और डी आ रहे हैं, इसमें आपकी बिल्कुल गलती नहीं, लेकिन आप दिमाग नहीं लगा रहे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, जो धर्म के अकॉर्डिंग ना चले, कुल मिलाकर सारे धर्मों को बराबर मान ले। एक तो हमारे संविधान में कहीं धर्म निरपेक्ष शब्द है ही नहीं, फिर भी वो घूमता रहता है। पंथ निरपेक्ष है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। सांप्रदायिक है ना, कम्युनिस्ट, ये होगा नहीं, ध्यान रखना। नारीवादी भैया, वो नारीवादी सरकार होगी जो महिला और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर देने पर विश्वास रखेगी, है ना, याद रखिएगा। वो कैसी सरकार होगी, वो नारीवादी सरकार होगी, इसको आप ध्यान रखना कि नारियों में ही बराबर बटे और पुरुषों में भी बराबर बटे, ठीक है, इसको आप यहाँ पर नोट कर लेना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताएं। पूछा गया है राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकते हैं, आंसर करेंगे जल्दी करेंगे, बताएं। ए ए ए, वेरी गुड, सभी आंसर करेंगे। मैं थोड़ा पानी पी लूं क्या, आप लोग आदेश दोगे तो पी लूंगा मैं। चलिए क्या बोल रहे हैं, 6 महीने, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। देखो यदि हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति का आर्टिकल कहां पर मिलेगा भैया, तो राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान के किस भाग में बात की गई है, संविधान के भाग 5 में बात करी गई है। मान लीजिए किसी कारण से राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति जी का निधन हो जाए, राष्ट्रपति जी जो है वो अपने पद पर अभी उपस्थित नहीं हो सकते, कुछ काम है, कुछ चीजें हैं, तो क्या होता है भैया, 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जी के रूप में कार्य करेंगे, तो उनका वेतन, उनका भत्ते, ये सब कुछ जो है वो
राष्ट्रपति जी का उपराष्ट्रपति को जी को दिया जाएगा, फ्री में काम नहीं कराया जाता है, ध्यान में रखिएगा। आपसे बोला जाएगा उपराष्ट्रपति जी का आर्टिकल बता दीजिए, उपराष्ट्रपति जी का आर्टिकल है आर्टिकल 63, है ना, अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। समझ में आ गया, भारत की राष्ट्रपति कौन है भैया, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आजाद भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति, है ना, जनजाति समुदाय संथाल जनजाति से आने वाली पहली राष्ट्रपति, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, राइट, पहली कौन थी, प्रतिभा पाटिल जी थी, याद रखिएगा। अच्छा, कमाल की बात यह है कि आजाद भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति है और आजाद भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। उपराष्ट्रपति कौन है भैया, तो वो है जगदीप धनखड़ जी। कौन है, जगदीप धनखड़ जी है, याद रखिएगा। कल जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा में खड़े होकर परेशान हो गए कि भैया बैठ जाओ, हल्ला मत करो, है ना, क्योंकि बजट पर जो है वो चर्चा चल रही थी और फिर जो है वो सेशन एडजर्न किया गया, रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया। आंसर करेंगे, बनाएंगे, क्या होगा राइट आंसर। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 14, 15, 16 या 22 भाषाएं, बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। बहुत, अरे कुछ लगता है यहाँ पर वो नेताओं के वो आ गए हैं, है ना, जिंदाबाद जिंदाबाद लगे हैं वो, योगी बाबा जिंदाबाद। आप गलत जगह आ गए भैया, यहाँ पर अभी जो है वो पढ़ाई चल रही है ना, अपनी जगह बदल लें भाई, जितने जिंदाबाद वाले हैं, ठीक है। चलो बी क्या लग रहा हो, 22 भाषाएं, ऐसा क्या, भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, बिल्कुल 22 भाषाओं को दी गई है, ध्यान में रखिएगा। याद रखेंगे यहाँ पर जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान की यदि हम बात करते हैं तो उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है भैया, तो उसमें मिलता है 14 भाषाओं का, कितना, 14 लैंग्वेजेस का उल्लेख मिलता है मूल संविधान की यदि हम बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची जो है, संविधान की 8वीं अनुसूची है ना, 8th स्केड्यूल की यदि हम बात करते हैं, इसमें दी गई है 14 भाषाएं, इन 14 भाषाओं में पुरस्कार भी मिलते हैं, इन 14 भाषाओं में भारत के बाकी कार्यकाज कामकाज भी होते हैं। अब क्या हुआ, अब इसमें हमने संशोधन किया, तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है, बताइए संविधान में पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई और वो किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। यदि चाहते हो पेपर में सही हो तो बड़े ध्यान से सुनना, जैसे तुम उसकी बातें सुनते हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यदि हम यहाँ पर बात करते हैं भैया पहली भाषा कौन सी और कब शामिल की गई, तो याद रखिएगा 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1967 में, और इसमें जोड़ी जाती है कौन सी भाषा, सिंधी भाषा, कौन सी भाषा, सिंधी भाषा। तो 14 से कितनी हो गई, 15 हो गई, 15 होने के बाद 71वां संविधान संशोधन होता है, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जो कि होता है 1992 में, और इसमें जोड़ दिया जाता है नमक। अरे नमक कैसे जोड़ सकते हैं सर जी, है ना, आ रहा होगा दिमाग में, नमक कैसे जोड़ सकते हैं, जोड़ सकता है नमक। ना से क्या जुड़ती है, नेपाली भाषा, राइट। एम से क्या जुड़ती है, तो एम से नेपाली के बाद क्या जुड़ेगी, मणिपुरी भाषा, राइट। फिर के से क्या जुड़ती है, तो कोकनी भाषा, कौन सी, कोकनी भाषा। तो कितनी हो गई, 14, 15, 16, 17, 18, 18 भाषा हो गई, चार और जोड़नी बची है। तो ध्यान रखिएगा फिर से संविधान संशोधन होगा 92nd या 92वां संविधान संशोधन होता है, और ये होता है सन 2003 में, और इसके तहत BDMS जोड़ा जाता है, है ना, BDMS जोड़ा जाता है। बी मतलब कौन सी भाषा, बोडो, डी मतलब डोंगरी, राइट। फिर कौन सी जोड़ी जाती है, एम मतलब मैथिली भाषा, मैथिली बिहार में चलती है भाई, है ना, और एस फॉर संथाली भाषा, कौन सी, संथाली। इस प्रकार से 18 और 4 22, टोटल 22 भाषाएं आपको मिलती है। कब कौन सी जुड़ी है वो भी आपको याद करनी है, नोट करनी है, ध्यान रखना इस चीज का, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है, है ना, इंडिया दैट इज भारत, ऐसा लिखा है हमारे संविधान में, कौन सा आर्टिकल है, 1, 2, 3, 4 आंसर कर दो भाई, जल्दी से कर दो, देरी नहीं करना, बताएगा। गुरुजी कल एग्जाम का पढ़ाते हैं, पढ़ना है कल एग्जाम का ही पढ़ रहे हैं बेटा, है ना, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत, है ना, समझ रहे हो, ये हमारे संविधान में पहली लाइन लिखी गई है साहब, और इसके लिए संविधान में जो आर्टिकल दिया गया है अनुच्छेद एक, देखो यदि आपको संविधान को जानना है, भारत की चीजों को जानना है, तो संविधान को पढ़ो और इतिहास को, ये दो सब्जेक्ट आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपके अंदर की बहुत सारी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, मतलब जानने को मिलेगा।
ध्यान रखिएगा, संविधान में हमारे जो भाग थे, भाग कितने थे, टोटल 22 थे, फिर 3 जोड़ दिए गए, तो अभी टोटल हमको संविधान में कितने भाग मिलते हैं, 25 भाग मिलते हैं संविधान संशोधन के बाद। संविधान का पहला भाग क्या कहता है, भाग एक कहता है क्या भैया, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, हमारे पूरे एरिया के बारे में बताता है, देश के बारे में। उसी के अंतर्गत ये चार आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 1-4 तक संविधान के भाग एक में आते हैं, नोट करिएगा। संविधान का भाग एक का आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया, दैट इज भारत, है ना, भारत जो है क्या है उसके बारे में जो है बताया गया, भारत एक संघ है, भारत एक यूनियन है, इसको आप ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, संघ को दो उसमें लिखा जाता है, संघ को क्या लिखा जाता है, संघ को इंग्लिश में फेडरेशन भी कहते हैं और संघ को इंग्लिश में यूनियन भी कहते हैं, है ना। हम कौन है, हम यूनियन है, ध्यान रखना, फेडरेशन नहीं है। कभी ये गलती नहीं करना, कभी इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया, पता चला कल को कलेक्टर बनने वाले हो। फेडरेशन का एग्जांपल कौन है, अमेरिका, है ना, नॉर्मल बता देता हूं एक लाइन में बस, अमेरिका जो है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके बना हुआ है, उनसे उनके कभी भी राज्य अलग हो सकते हैं, ये सिस्टम है। हमारा देश यूनियन, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया किसी राज्य से, हमारे देश से कोई भी राज्य किसी भी कंडीशन में अलग नहीं हो सकता, ध्यान में रखिएगा, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद आर्टिकल 2 आता है भैया, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। आर्टिकल 3 सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसका मतलब होता है नए राज्य का गठन, कोई नया राज्य बनाना है आर्टिकल 3 से बनेगा, किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना, जैसे अभी ममता दीदी लगी थी कि भैया वेस्ट बंगाल का नाम बदलना है, बहुत आसान प्रक्रिया है, साधारण बहुमत से हो जाता है, मतलब आधे से एक अधिक वोट पड़े नाम बदल जाएगा। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, किसी राज्य को डिवाइड करना, वो इसके तहत हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। और आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि यदि कोई राज्य बन रहा है या कुछ हो रहा है इन सब में, तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इसको पढ़ के जरूर जाना, यदि चाहते हो कि एक भी नंबर ना कटे, सिलेक्शन हो जाए, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताओ द लॉयल मोहम्मडंस ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था, मोहम्मद अली जिन्ना, अशफाकुल्ला खान, शौकत अली, सैयद अहमद खान। आंसर कर दो भाई, जल्दी से कर दो, क्या होगा राइट आंसर, टेलीग्राम लिंक कहां से चाहिए तुमको। हाँ जी, नागरिकता पास से 12 तक मिलते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी आंसर करेंगे, बताए BBBA। अच्छा गुजरात की एग्जाम का पढ़ाते हो, नहीं कोई ऐसा, मैं प्रॉपर स्टेट का नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, जीके जीएस जो आपके हर एग्जाम में, आपके जीवन से लेकर आपके हर चीज में काम पड़ेगा, मैं वो आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। जो बच्चे ये बोल रहे हैं ना, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक। चलो ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, द लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया, देखो यहाँ पर क्या लिखा है भाई, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं द लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया जो है ये किसका एक समाचार पत्र था, तो ये था सर सैयद अहमद खां का। किसका था, सर सैयद अहमद खां साहब, इनको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। सर सैयद अहमद खां जो थे ना, इनके बारे में पढ़ना, इन्होंने मुस्लिम समुदाय को, समाज को समझाने के लिए बहुत कुछ किया, उसके सुधार के लिए बहुत सारी चीजें की। इन्होंने कहा हमको अपने कल्चर को थोड़ा बदलना भी चाहिए, हमको थोड़ा नए तरीके से अपने चीजों को करना चाहिए, इन्होंने नहीं करी। इन्होंने साहब मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो है वो स्थापना की थी, याद रखिएगा। बाद में यही जाकर क्या बन जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाता है, जो आपको अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में मिलती है, क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी साहब यहाँ पर बन जाता है, ध्यान में रखिएगा। मोहसर सैयद अहमद खां के जो है वो नेतृत्व में ये सारी चीजें होती हैं, ध्यान रखना, समझ में आ गया। और मोहम्मद अली जिन्ना साहब को तो आप जानते हो, है ना, अशफाकुल्ला खान साहब तो साहब क्रांतिकारी थे, उनको आप जानते हो, शौकत अली और ये मोहम्मद अली, ये कौन थे, इन्होंने जो खलीफा को, तुर्की के खलीफा को पद से निकाल दिया गया था, तो उनके लिए खिलाफत आंदोलन चलाया था। मोहम्मद अली जिन्ना आपको पता है साहब पाकिस्तान बनवाने वाले, और क्या करते हैं ये डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाते हैं, और सीधा भारतीयों को क्या बोलते हैं भैया, कि यदि पाकिस्तान नहीं बना तो मैं पूरे भारत को तहस नहस कर दूंगा, भारत बहुत बड़ी जो है वो तबाही देखेगा, इन्होंने कहा था, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल क्या बनता है, लिखा है अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, विपिन चंद्र पॉल। आंसर कर दो, जल्दी से कर दो, फटाफट कर दो मेरे दोस्त, आंसर करेंगे जल्दी करेंगे, बताएं फटाफट बताएंगे, क्या लिखा है, वीडी,
हाँ सारी चीजें मुझसे पढ़ लो, है ना, मैथ्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ा सकता भाई, है ना, हमारा जीके चलेगा और जीके में आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी, इस बात का ध्यान रखो, है ना। क्योंकि देखो हमने क्या किया ना, स्कूल कॉलेजों में जब हमने पढ़ा तो कोई ऐसा टीचर पढ़ाता था, नींद आ जाती थी, वो कहता था इतिहास याद रखो, मोहम्मद गौरी भारत आया, ऐसा ऐसा कर रहा था, हम यही सोचते थे क्यों आया था भारत, और भारत आया था तो हम करें तो करें क्या। लेकिन जब हम मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ कि जो वहां गलती हुई शायद शिक्षक से, शायद शिक्षक ने वो चीज आपको नहीं दी, यहाँ पर मैं आपको दे सकूं, है ना। मोहम्मद गौरी आया भारत तो कैसे आया था, किसने बुलाया था उसको, क्यों आया था, चलेगा। अभी ना भारत की बात करते हैं भैया, अभिनव भारत के लिए हम बात करते हैं। अभिनव भारत सोसाइटी यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, 1904 में इसे बनाया गया था, किसके द्वारा, तो याद रखिएगा भैया ये किसके द्वारा जो है बनाई गई थी, विनायक दामोदर सावरकर, याद रखिएगा, और गणेश दामोदर सावरकर, है ना, किसके द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा जो है वो, गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा जो है वो इसको बनाया गया था, अभिनव भारत को, इसको आप ध्यान रखना कब बनाया गया था, तो इसे बनाया गया था सन 1904 में, ध्यान रखेंगे, समझ में आ गया, चलेगा आगे बढ़ते हैं। 67 अटेम्प्ट कर लिए, बहुत अच्छा है, यदि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो बेटा हो गया तुम्हारा जीडी में, अब तो तुम जाओ, ये वाला काम है, यदि एक्यूरेसी बढ़िया रही होगी तो, है ना। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी, बाबर और लोधी साम्राज्य, ब्रिटिश और बाबर, अकबर और हेमू, अकबर और मेवाड़ के राणा, आंसर करेंगे जल्दी करेंगे, फटाफट करेंगे, बताएंगे क्या होगा राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ए सी, अक्षय, अमित, रविंद्र, वैभव, मधु, क्या बात है, शिवा, एकता, मिताली, हर्ष, करण, अमन, वेरी गुड, चलिए ध्यान रखना क्या लिखा है पानीपत, मेरे दोस्त एक चीज को ध्यान रखो, ये पानीपत के युद्ध ना घोट कर पी जाओ, समझ रहे हो, ये आते ही है एग्जाम में, पानीपत की प्रथम लड़ाई का मैंने पूरा इतिहास बताया है, थोड़ा इनकी डेट्स के बारे में जरूर आप लोग पढ़ लेना, पानीपत की पहली लड़ाई होती है कब, पूरा पढ़ना पड़ेगा, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर के बीच में, और बाबर इस युद्ध को क्या करता है, जीत जाता है, इब्राहिम लोधी हार जाता है, दिल्ली सल्तनत समाप्त होती है, मुगलिया सल्तनत आती है, मैंने बताया था, क्योंकि इनके चचा जान धोखा दे देते हैं, ये जो जान जान वाले लोग रहते हैं ना, ये धोखा दे देते हैं, ध्यान रखो, लालच में आते हैं आपके पास, जो आपको जान कहते हैं, समझ जाना खासकर लड़कों, चलिए उसके बाद आप ध्यान रखना, पानीपत की प्रथम लड़ाई हो गई, उसके बाद आती है पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की सेकेंड वॉर या दूसरी लड़ाई, ये कब होती है साहब, पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करेंगे, 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556, अकबर रहते हैं 14 साल के, भैया दिक्कत होती है क्या करें, तो याद रखिएगा ये युद्ध होता है हेमचंद्र विक्रमादित्य, मतलब हेमू वर्सेस बैरम खां, बैरम खां कौन रहते हैं भैया, बैरम खां अकबर के सेनापति रहते हैं, अकबर की तरफ से युद्ध लड़ने आते हैं, क्योंकि अकबर छोटा होता है उस समय, राइट, और बैरम खां इस युद्ध में जीत जाते हैं पानीपत के दूसरे युद्ध में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, या पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, पानीपत का क्या होता है भैया, थर्ड वॉर होता है, तीसरा युद्ध होता है, तीसरी लड़ाई होती है, और ये कब होती है, 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761, किस किसके बीच में होती है, मराठा एम्पायर, मराठा इस समय बहुत उत्कर्ष पर चल रहे थे, मराठा एम्पायर, और यहाँ पर कौन था भैया, अहमद शाह अब्दाली, या अहमद शाह दुर्रानी, या अहमद शाह अफगानी, जो बोलना चाहो, और इसमें भी मराठा हार जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, ध्यान में रखेगा, ये थे पानीपत के तीनों युद्ध, कोशिश करना याद कर लो, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रोना पड़ेगा, तो दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी, किसके द्वारा, तो पहला था राइट आंसर ऑप्शन ए या वन, आगे बढ़ते हैं, आंसर करो, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सिंपल है बेटा, ऐसे ही कर लोगे, बताओ जल्दी से, सभी आंसर कर दो, फटाफट कर दो, क्या होगा राइट आंसर, सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले मुर्गी आई थी या अंडा आया था, ये बहुत चलता है क्यों, तो क्या हुआ था सबसे पहले, वैसे इसका आंसर है क्या, सबसे पहले मुर्गी आई थी या अंडा आया था, क्या लिख रहे हो, 213, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या लिख रहा है, सीसीसी, क्या आया था, अंडा आया था सर, बहुत बढ़िया, अंडा किसने दिया था, मुर्गी ने, मुर्गी कहां से आई थी, अंडे से आई थी, है ना,
अंडा किसने दिया, फिर मुर्गी ने दिया। चलिए ध्यान देंगे, चंपारण सत्याग्रह 1917, महात्मा गांधी भारत में आते हैं और अपना नील की खेती कर रहे किसानों के साथ तिनकटिया व्यवस्था के लिए सत्याग्रह करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और इनका ये सत्याग्रह सफल भी हो जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम महात्मा हो मेरे मोहनदास, याद रखो तो इनको महात्मा की उपाधि मिली थी महात्मा गांधी को इसके समय। बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन सबसे युवा वायसराय भारत आता है और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन करके बोलता है बंगाल बहुत बड़ा एरिया है, मुझसे संभाला नहीं जा रहा, जबकि हिंदू मुसलमान का विभाजन कराता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, बहुत अच्छे से जानते हैं रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए सैफुद्दीन किचलू और किसको भैया सैफुद्दीन किचलू को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और इनके विरोध में होती है किसकी जो है वो सभा होती है, कहां पर, जलियांवाला बाग अमृतसर में, और जनरल डायर सभी को भून देता है। तो पहली घटना क्या थी, 2, 1 और 3, 2, 1, 3, याद रखिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी या 3, ध्यान में रखेंगे। ठीक हो, हिंदी वाला 3 लिखा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियाई सभ्यता, फारस सभ्यता या मिस्र सभ्यता, बताएंगे। हाँ जी, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जी, बहुत बढ़िया आंसर करेंगे, क्या लिख रहे हो, ABC, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ए और डी आंसर कर रहे हैं मेरे दोस्त, ध्यान रखो ना क्या लिखा है, नगर नियोजन के लिए, नगर नियोजन के लिए जो सबसे ज्यादा फेमस है क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। साहब दुनिया भर के लोग परेशान है कि ये 2500 ईसा पूर्व के आसपास, मतलब कई हजार साल पुरानी है सभ्यता, आज से ज्यादा मॉडर्न हुआ करती थी, इनको पता था रोड कैसे बनाना है, उस समय मल्टी गेम्स स्टेडियम से इन्होंने बनाए, इन्होंने बड़े बड़े स्नानागार बनाए, इन्होंने साहब बड़े बड़े मकान बनाए, बहुमंजिला मकान बनाए, इन्होंने पोर्ट बनाए, इंटरनेशनल व्यापार करते थे ये लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। आज भी बड़ा वो है कि उस समय इतने हम इतने समृद्ध हुआ करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि जो शुरुआती स्थल मिले, चाहे वो मोहनजोदाड़ो हो या बाकी हो, वो सभी सिंधु नदी के आसपास मिले, तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया गया। लेकिन बाद में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश, गुजरात और बाकी जगह भी जो है वो अवशेष मिले हैं, तो फिर हमने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया, क्या कर दिया, हड़प्पा सभ्यता कर दिया, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आप कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है या हड़प्पा, बेटा ध्यान रखना नाम चेंज किया गया उसका, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते, क्या बोल रहे हो, सबसे पहले दुनिया में मुर्गी आई थी सर, अच्छा गीता कहती है, क्या कहती है गीता, दुनिया में सब घटित हो चुका है पहले ही। चलेगा आंसर करेंगे, फटाफट करेंगे, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर या किनारे स्थित है, बर्लिन, इस्लामाबाद, मैड्रिड या वॉशिंगटन DC, आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर, बताएंगे, बहुत बढ़िया, सभी आंसर करेंगे क्या होगा राइट आंसर। ऐसे कैसे सिंधु घाटी सभ्यता कैसे समाप्त हुई ना, उस पर बहुत सारे डिबेट है, एक्चुअली उसका एग्जैक्ट प्रमाण नहीं मिलता, कहते हैं भूकंप आया होगा, कहते हैं तबाही मची थी, कहते हैं बाढ़ आई थी या कोई विपदा आ गई थी, उस कारण से वो पूरी सभ्यता दब गई, खत्म हो गई एक बार में सब तबाही। और मैं आपको बता दूं, ये दुनिया एक दिन ऐसे ही मिट जाएगी, ऐसे ही सब चलते चलते सब समाप्त हो जाएगा, समझ रहे हो, तो जो तुम लड़ रहे हो ना पैसों के चक्कर में, तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है, कहीं ले जा ही नहीं पाओगे, ले जाते सिर्फ कर्म है, ध्यान रखना इस चीज को, जिस दिन समझ गए ना, सिर्फ जीवन में कर्म जाने वाले हैं साथ में, सब कर्म उस लाइन से जाते हैं। चलिए, पोटोमैक नदी किसके घाट, पोटोमैक नदी जो है वो इसके घाट पर कौन सा शहर है, तो याद रखिएगा वर्जीनिया है, याद रखिएगा वॉशिंगटन DC है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, पोटोमैक नदी, दुनिया की नदियों के किनारे जो शहर बसे हैं उनसे आपके एग्जाम में सवाल आते हैं, इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, बाढ़ आई थी सर मैंने मूवी में देखा, ठीक है, अब मूवी में तो पता नहीं क्या क्या दिखा देते हैं, हमारा देश इतना तो ये मूवी के चक्कर में बड़ा बर्बाद हो चुका है साहब, है ना, हमको लगता है जो मूवी में चलता है ना वो रियल होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है, डार्विन, अरस्तु, हेल या एडवर्ड जेनर, आंसर करेंगे BD, वेरी गुड, चालू हो गए, जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं, बताएंगे,
जंतु विज्ञान का जनक या फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है मेरे दोस्त। आंसर कर दो, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं, बताएंगे जल्दी से। बीबीबी। चलिए, तो जंतु विज्ञान का जनक या फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है एरिस्टोटल या अरस्तु को। अरस्तु किसके गुरु थे, अरस्तु सिकंदर के गुरु थे, है ना, किसके, सिकंदर जो दुनिया जीतने निकला था साहब, जब गया तो खाली हाथ गया, सिकंदर, है ना, सिकंदर के क्या थे भैया, अरस्तु गुरु हुआ करते थे, एरिस्टोटल के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, ध्यान में रखना। देखो जितने जिन्होंने भी जीवन में बहुत कुछ किया ना, उनके देखना गुरु होते हैं, वो उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं शिष्य, तो बहुत कुछ पा जाते हैं। कई बार हम अपना लेवल पर उतना नहीं सोच पाते, हमारी बुद्धि बहुत सीमित है, जितना ज्ञान है हम उतना ही सोच सकते हैं, समझ रहे हो। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, क्या लिखा है बताना है। पूछा गया किसी भू स्तरणीय उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग कितने किलोमीटर होती है, 36,000, 45,000, 48,000 या 30,000 किलोमीटर। आंसर कर दो, क्या होगा राइट आंसर, बताइए, सभी को बताना है, देरी नहीं करना है, बता दो भैया। 36,000, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या लिख रहे हो, तो ध्यान में यहां पर रखिएगा, किसी भू स्तरणीय उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग कितने किलोमीटर होती है, तो भैया ये होती है 36,000 किलोमीटर, है ना। पृथ्वी हमारी ऐसी है 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है, और झुककर सोचो पृथ्वी इतनी शक्तिशाली होकर झुकी हो और तुमको झुकने में शर्म आ जाती है, समझ में आ, 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी, और इसमें आपको क्या मिलती है भैया, भूमध्य रेखा मिलती है, और जो आपकी भूमध्य रेखा है उसी के समानांतर जो है वो क्या होता है, सैटेलाइट चक्कर लगाते रहते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, इसको आप ध्यान में रखिएगा, समझ में आ गया, 24 घंटे जो है वो सैटेलाइट पृथ्वी के साथ घूमते हैं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत में प्रॉब्लम तो नहीं है भैया यहां तक। चलिए तो भैया आज की क्लास में करते हैं हम इतना ही, हमने किए आज बहुत दमदार बहुत शानदार सी पढ़ाई किया है हमने, बहुत सारा काम, बहुत सारे नोट्स आपने बनाए होंगे, बहुत सारी चीजें याद रखी होंगी, जिसने याद रखा होगा, जो ईमानदारी से पढ़ा होगा, वो बाकी बच्चों से तो आगे निकल जाएगा, ये ऑब्वियसली इसमें कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं ना कि सर इतने हजार बच्चे हमसे पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ का होता है, कुछ का इसलिए होता है क्योंकि जब तुम सो रहे होते हो कोई पढ़ रहा होता है, समझ रहे हो, ध्यान रखें इस बात का, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें, जीवन में आगे बढ़े इसी तरीके से पढ़ते रहें। और दूसरी चीज, जिन बच्चों को कोर्सेज वगैरह बैचेस वगैरह लेना आप लोग लीजिए, यदि आप ले सकते हैं तो आपको पेड क्लासेस यहाँ पर मिल रही है, थ्योरी क्लासेस मिलती है, प्रैक्टिस सेशंस आपके होते हैं, है ना, जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर यदि आप जाओगे ना तो हमारा जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल का, अच्छा एक और खुशखबरी दे देता हूं मैं आपको, इसके लिए साहब आपके ऑफलाइन क्लासेस नोएडा हेड ऑफिस में ही चल रहे हैं, तो आप ऑफलाइन बैचेस में भी जुड़ सकते हैं, उसके लिए आप जानकारी ले सकते हो, यहाँ पर यदि आप एग्जाम 60 कोड का यूज करोगे तो मात्र 799 रुपए में आपके लिए बैचेस उपलब्ध है, आप इनमें जुड़ जाएं। दूसरी बात, जाने से पहले आपको क्या करना है, सेशन को बढ़िया तरीके से लाइक करना यदि पसंद आया तो, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या सारी चीजें हैं, आपके कुछ दुख दर्द कुछ है, कुछ बताना पूछना चाहते हैं, आप सब कुछ लिख दिया करें, आपकी कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं। और दूसरी बात, जो बच्चे नए हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारी रोजाना 12 बजे क्लास चलती है, कल बस नहीं चलेगी, उसके बाद रोजाना 12 बजे हमारी क्लास चलती है, उस 12 बजे वाली GK GS यदि आपको पढ़ना है तो उसको आप अटेंड करिए, आपको खुद एक दिन समझ में आएगा कि आपने कितना अच्छा काम किया था, ना आप बुढ़ापे में मुझे धन्यवाद देने आओ तब की बात है, समझ में आ गया। चलिए तो आज इस खूबसूरत सी बात के साथ में सेशन को समाप्त करते हैं, आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों का संडे बहुत अच्छा हो गया है ना, नहीं तो अभी आप कहीं घूम रहे होते, इधर उधर घूम रहे होते, किसी के साथ में कुछ कर रहे होते, घूम है ना, खाना पीना नहाना धोना कर रहे होते, पढ़ लिया जीवन में काम पड़ेगा। चलिए मिलते हैं कल ही क्लास में आगे के और भी क्वेश्चंस के साथ में, कल मैराथन चलने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो जो बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं आप सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी सारी टीम पूरी टीम आपके लिए तैयार रहेगी, सुबह से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सभी लोग पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। चलिए क्या बोल रहे हैं सर, मैथ्स की क्लास नहीं नहीं अब कल होगी क्लास, ठीक है, और बताएं अभी पता नहीं मुझे इसके बाद कौन लेने वाले, ठीक कोई दिक्कत। चलिए मिलते हैं, लव यू ऑल एवरीवन, जो लोग लिख रहे हैं भैया मिलते हैं कल की क्लास में आगे के और भी क्वेश्चन के साथ, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच।